लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कसुमा, कसुमा। नमस्ते नमस्ते, आइए। इनको यहाँ क्यों लाए हो? 25 तारीख शुभ मुहूर्त का दिन है, उस दिन मंगनी तय करने के लिए पिताजी ने आपसे पूछकर आने के लिए कहा है सासुमा। मेरा लड़का पांडे फोन करेगा, उसे ये बताकर इस विषय में अपने भाई के लड़के से कह दूंगी। आप लोग खाना तो खाइए। कोई बात नहीं, क्या आंटी, कोई मंगनी होने से पहले अपने जात में खाएगा क्या? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, इसे अच्छे से खिलाकर भेज दूंगा। चलो भाई चलो। हेलो बेटे पांडे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो माँ? तुम सही वक्त पे खाना खाते हो ना? मैं तो टाइम पर ही खाता हूँ माँ। आपने फोन करने के लिए कहा था ना, क्या बात? एक खुशखबरी है, अपनी कविता के लिए रिश्ता आया है। अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, हम सबको पसंद है वो। आपको पसंद है तो फिर तय कर लेना चाहिए। वो क्या है ना, लगता है वो लोग दान दहेज काफी मांगेंगे। आपको पसंद है ना? हम सबको बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, तय कर लीजिए ना। ठीक है बेटे, पैसों की चिंता मत करो माँ। माँ, माँ आओ। तानिया, दामाद जी नहीं आए? आए नहीं है, कल जरूर आ जाएंगे। आओ मेरा प्यारा नाती, आ जाओ। कितना क्यूट है। बैठना तू भी। दीदी कैसी हो तुम? बेटी ये क्या चीज है? एटलस मैप। इसको क्यों खरीद कर लाई है? इसे देखकर विदेश में काम करने वाले मेरे भाई की मुझे याद आ गई माँ। इस पूरी धरती के बोझ को इस एटलस मैप ने उठाया हुआ है, वैसे ही मेरा भाई हम सब के बोझ को उठा रहा है। अब वो इस वक्त किस हाल में होगा पता नहीं। ऐसी हरकत क्यों करते हो यार? बैठो बैठो। हम अपना गांव छोड़कर यहाँ पर विदेश में कमाने आए हैं। हमारे घर वालों को यही लगता होगा कि हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, उनके उम्मीद पर तुम लोग पानी फेर रहे हो। तूने मुझे क्यों रोका? उसने तुझ पर हाथ उठाया ना? ए, मारपीट करने वाले को तुम मर्द समझते हो क्या? अपने परिवार का बोझ उठाने वाला सच्चा मर्द होता है। हम सब अपने परिवार का बोझ उठा रहे हैं। ए, क्या तुम लोग मुझे डरपोक समझते हो क्या? एक टाइम था जब मैं भी बहुत गुंडागर्दी करता था। जेल से छूटा हुआ शेर, मुझे बोलने देने के लिए धन्यवाद। 6 महीना जेल काट कर हमारा बंपर शेर बाहर आ रहा है, उसके आने का हम लोग सभी उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए मैं काउंसलर और मेरा साथ देने वाला मेरा दोस्त है। आओ बंपर शेर, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये जो खड़े हैं ना, ये सुंदर पांडे शिक्षक मेरे पिताजी हैं। इनके लिए स्कूल और घर दोनों बराबर है। और ये जो खड़ा है मोटू राज पांडे, ये मेरा बड़ा भाई है। मेरे बारे में उल्टा सुल्टा मेरे पिताजी को बोलते रहते हैं। और ये जो तीनों आ रही हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों मेरी बहनें हैं। देखो देखो कितने प्यार से देख रही हैं ये। और ये जो दिखने में महालक्ष्मी की तरह है, ये मेरी माँ है। मेरे पिताजी तो ऐसे घूर रहे हैं कि मेरे कदमों को घर में आते साथ ही वो काट के रख देंगे। Hey, वही रुको। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा पांव काट दूंगा। ये सब तो मुझे पता है, मुझे लगा आप कुछ और ही बोलने वाले। क्या बोलने के लिए क्या बाकी है, बोल। जेल जाकर आने वालों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। क्या, क्या चाहते हो आप? सब लोग उसका साथ दे रहे हो? गमछा पहन कर आ गए यहाँ पर, आपको वोट देकर काउंसिलर बनाया, गैर जिम्मेदार लोगों के साथ घूमने के लिए क्या नहीं। मामा जी, hey,
रेलवे गेट को पार करने के लिए मना किया था ना, और तुम लोग घर तक आ गए। हिराज पांडे, पिताजी वो छड़ी निकालो। जी पिताजी। जल्दी दो। देख पांडे, तेरे पिताजी ने शिक्षक का काम शुरू कर दिया है, अब तू जानो तेरे पिताजी जाने। सुनो पांडे, अपनी दोस्ती को हम बाहर रखते हैं, अभी हम चलते हैं। काउंसिलर साहब, हम लोग इतना खर्चा करके बैंड बाजे के साथ चलो, 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 यहां से। इस छड़ी को उठने मत देना। तेरे को तो मैं अभी दिखाता हूँ, जेल से लौट के आया हूँ और तेरे को रद्दी भर का डर नहीं लगता, छड़ी उठा रहा है। अरे तू मार दिया। बेटा बेटा पांडे रुको, तू आएगा इसलिए मैंने चिकन बनाया है, खाकर तो जाओ। जो मान मर्यादा तेरे पति का है ना, वो मेरा भी है। चिकन बनाया बोलकर मेरे को एकदम विचलित मत करना, और इस घर में तो मुझे दोबारा कदम रखना भी नहीं है, समझ गई तू? चलता हूँ। बहुत मान मर्यादा वाला है, जाओ। कौन है तुम? पांडे। हाँ भाई ठीक है। हाँ चलो। हाँ तुम लोग बैठ कर यहाँ पे चुगली करते रहो। लगता है तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। हाँ हाँ, जेल जाने वाले को ज्यादा चर्बी हो जाती है, यही सोच रहोगे ना? पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। कुछ कुछ रखूँ, लग घर में कोई है नहीं है। अरे वाह, खाना है गर्मा गर्म। चलो शिक्षक के आने से पहले सपा छट कर देता हूँ, और वो चिकन तो किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, वो तीनों बहनों के लिए तो बिल्कुल नहीं, सब कुछ अकेले खा लूंगा। ये मुर्गी तो कमाल की है। बैठ, तेरे लिए चिकन बनाया है, कहा कि खा कर जाओ, तो मना करके चला गया, अब पीछे के दरवाजे से आकर खा रहा है, कहाँ गई तेरी मान मर्यादा? अरे मान मर्यादा का क्या है, जितना मैं तुझे प्यार करता ना, वो ओवरटेक कर लेता है उसको। पता है पता है, तेरा प्यार तो चिकन से है, ये ले और ले। थैंक्स। अगर तू कहीं काम पर लग जाता तो अपने पिता से डांट खाता क्या? क्या कह रही हो माँ, मैं काम पर नहीं गया था, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पुलिस की नौकरी करने गया था। बॉय, अब सब लोग फिजिकल टेस्ट में पास हो गए हैं, अभी मैं जो टेस्ट रखने वाला हूँ ये मेंटली टेस्ट है, अगर इस टेस्ट में आप सब लोग पास कर गए तो आप सबको जरूर काम मिलेगा। मैं एक टेररिस्ट हूँ, मैंने एक दुकान में बम रखा है, आप सब लोगों ने देख लिया है, आप सब लोग मुझे कैसे पकड़ेंगे और कैसे अटैक करेंगे? ए, यू कम फॉरवर्ड। यस बॉस। क्या बॉस, इससे पहले तुमने क्या काम किया है? चोरी किया है बॉस। तुम क्यों पुलिस में काम करना चाहते हो? मुझे चोरी करते समय कोई भी पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया, अगर मैं पुलिस बन गया तो चोरों को पकड़ सकता हूँ ना, इसके लिए। आई लाइक दिस पॉइंट। अभी मैं दौड़ता हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। ए, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? क्यों तुम दौड़ने का शर्त लगाए हो? यहाँ वापस मत आना, चले जाओ। अगर तुम दोबारा यहाँ पे दिखे तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं अच्छी तरह से दौड़ता हूँ, आपको पसंद नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, चोरी का काम फिर से जारी रखता हूँ, आपके डिपार्टमेंट को लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। पतला दुबला होकर कितना चालाकी दिखा रहा है। नेक्स्ट। यस सर। पता नहीं ये क्या करेगा, अभी मैं दौड़ता हूँ और तू मेरे साथ साथ दौड़, शुरू हो जा। अगर ये काम मुझे नहीं मिला तो सुंदर पांडे मुझे नहीं छोड़ेगा। पांडे टेररिस्ट आगे भाग रहे, उसको पकड़ के मार। तू बम रखने के बाद झूठ बोलता है कि मैंने रखा है। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, देख। पांडे इसको छोड़ना नहीं, मारो और मारो, ये पुलिस नहीं टेररिस्ट है, मारो। तुम सब साथ मिलकर बम रखकर सबको मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं पांडे हूँ, सबको पकड़ लूंगा। पांडे को क्या समझते हो, नौकरी तो पक्की है। सिर्फ यही काम नहीं, तुझे गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे बाप रे बाप, मैंने कोई गलती की है क्या? बाप रे बाप, सही है। अरे सर्टिफिकेट पे जब से मोहर लगाया है तब से तेरा पति मुझे डांट डांट कर मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। हाँ हाँ, तुझे जेल जाने के लिए मेरे पति ने कहा। अरे मैं जेल किस लिए गया था तुम्हें मालूम है? ए, कहाँ जा रहा है? ए, नाचने वाले को पैसा देने जा रहा हूँ। पैसा देने के लिए मना किया हूँ ना, मैंने माइक पे अनाउंस किया था, फिर भी तू जा रहा है? ए, चल रहा है। ए मास्टर के बेटे, नाचने वाले को पैसा देने के लिए आया हूँ, क्या वो तेरी बहन है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ के बारे में कहा है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं होश में बात कर रहा हूँ, तेरी बहन को ही नहीं तेरे माँ को भी पैसे दूंगा मैं। मेरे माँ के बारे में कहने की हिम्मत नहीं है तेरा, ये अरे तुम यहाँ खड़ी होकर के देख रही हो, वो तेरी वजह से झगड़ा कर रहा है, अरे जल्दी से भागो यहाँ से, निकलो, चलो जल्दी। चलो दीदी जल्दी चलो। ए,
जिस जबान से तूने मेरी माँ के बारे में कहा है ना, वो जीप नहीं रहेगा। ए, चाय दे जल्दी। देखा पांडे, बर्तन चोरी करने वाला, चम्मच चोरी करने वाला, यहाँ तक कि बच्चे से मिठाई चोरी करने की बात पेपर में लिखा है। तूने उस गुंडे की जुबान काट दी तो भी तेरा नाम इस पेपर में नहीं आया। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको जलन होगी। ठीक है, अगर इसके बारे में पेपर में नहीं लिखा तो लिखने वाले का हाथ काट देंगे। क्यों पांडे, ठीक है ना? काट दो, काटेगा तो काम करना पड़ेगा ना। तो भाई चाय की दुकान पे बैठकर पेपर को पलटने का, रात को कोई अकेले में फंस गया तो उसे पलट पलट कर मारने का। सुनो, इस शहर के लोगों को गला काटने की आदत है, वो कौन है जो जीभ काटने लगा है? सर मैं हूँ सर। तूने किया है? तू किसका बेटा है? सुंदर पांडे शिक्षक का बेटा हूँ सर। वो तो बहुत अच्छा आदमी है रे, तेरे जैसा बेटा कैसे हो गया? अरे आए हैं तो अरेस्ट करके ले जाइए, एडवाइस क्यों देने लगे खड़े होकर? अरे पुलिस वाले को क्या एडवाइस दे? तू क्या इसका काउंसलर है? गुंडों के साथ घूमता है और डायलॉग मारता है? मुझे थप्पड़ मारकर आपने मुझे समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीभ काटने वाले, चल जीभ में बैठ। यस सर, यस सर, यस सर। ए, मैं पांडे हूँ, चलता हूँ। बाय बाय। तू तो अच्छा काम के लिए जेल गया था, तेरा बाप तुझे घर में क्यों नहीं घुसने दिया? तूने वापस जाकर खाना खाया, तेरे बाप ने कुछ नहीं कहा क्या? कहा था ना घर में घुसेगा तो तेरा पैर काट दूंगा, फिर भी घर में घुसकर आराम से खाना खा रहा है। घर के आंगन से कौन है? मुझे मान मर्यादा का ख्याल, इसलिए पीछे से आया हूँ। हाँ ये बच्चा है, बर्तन में हाथ धुला रही हो और साड़ी से मुंह पोछ रही हो, पूछ दो। माँ मैं जब जेल में था तो आए क्यों नहीं मिलने? हाँ, तू हजारों मील दूर मेडिकल हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, तुमसे मिलने नहीं आई, इसके लिए तुम्हें दुख हो रहा है? क्यों छोटा बच्चा समझकर पाल रही हो? सड़क में जैसे गाय घूमते रहते हैं ना, इसे भी पानी छिड़क कर इसे भी घर से भगा दो, कहीं इधर उधर भीख मांग कर खा लेगा। इतना बड़ा हो गया है लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो माँ, तुम बराबर खाना नहीं खा रही हो, तुम्हारा जैकेट लूज हो गया है। तेरे बारे में सोच सोच के ये हाल हो गया। चलो। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, तू क्यों सोचती रहती है? चल ना। बहन जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपकी बेटी कैसी है? ठीक है ना? हाँ वो बहुत अच्छी है। ये बताइए कि पांडे का क्या चल रहा है? पांडे वो फ्लावर मिल के लिए लोन अप्लाई किया है, आते ही काम शुरू करेगा। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। माँ तुमने झूठ क्यों बोला? मैं उनके सामने अपने बेटे की बुराई कैसे करती हूँ? ठीक है चलो। क्या पांडे आजकल मजे कर रहे हो? क्यों दीदी, तुम भी मजाक करने लगे हो? जाओ जाओ। भैया किसको बुला रही है? तुम्हें ही बुला रही थी। तुमने मुझे भैया करके बुलाया? हाँ तुम्हें ही भैया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच है कि ये ख्वाब देख रहा हूँ? मेरे माँ के बाद सिर्फ तू मुझे समझने लगी है। क्या चाहिए बोल? एक मटका पानी चाहिए भैया। एक मटका? तू रख रख रख, मैं भर देता हूँ। हम भी आपके बारे में समझने लगे हैं भैया। मेरी प्यारी बहनों, पानी लेकर अंदर ले जाओ। क्या कहा? हमको रखना पड़ेगा तो तुम किस दिन काम आओगे? चलो चलो अंदर रख दो, चलो। अरे देखो तो सही, उंगली दिया था, हाथ पकड़ लिया है। ऐसी बहनी सबको मिले तो फिर कल्याण हो जाएगा। वफादार कुत्ते की तरह बना दिया मुझे। चल भैया अब तू भी आ जा, तेरा भी पानी भर देता हूँ। दे बाबा लोटा दे, तेरा भी पानी भर देता हूँ। रहने दो, मुझे भरना आता है, तुम जाओ। देखो तो सही कितना शरीफ है ये। चलो मैं समझ गया तुम्हारी भावनाएं, तुम भरो मैं जाता हूँ। कुछ कुछ रकम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना। अरे कुछ कुछ रकम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना। कुछ कम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना, दे दो ना। ए निठल्ला, अरे इंटरव्यू में जाने वाला तुम्हारा भाई का पसीना बह रहा है और तुम बैठकर गाना गा रहे हो? पानी भरने से तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा क्या? जाने दो पिताजी, जाने दो। तू काम कर रहा है और ये बैठकर आराम से देख रहा है? अरे पिताजी जाने दीजिए ना। ए तू अपने भाई की तरह मेहनत करना सीख, हराम का खाना सीख लिया है। ए तू इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, बीच में बोलना कहाँ से सीखा रे? इतना पानी मैंने भरा, तेरे से बोला नहीं गया उनको? जाने दो, जाने दो। चल चले पिताजी।
ए पांडे तू कहाँ है? बोलो भाई लोग, क्या बात है? अरे तू यहाँ पर है? गांव के क्या, बड़े क्या बड़े लोग हम लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए देखिए ये लोग आ गए। क्या बुजुर्ग लोग, आपने मिलने के लिए बोला था? हाँ भाई, मंदिर में कुंभ अभिषेक रखने के लिए। रखिए ना। इसके लिए गणपत की मूर्ति की जरूरत है, पैसे से खरीदने के लिए नहीं, चोरी करके लाना है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। हम गणपति मूर्ति लेकर है? हाँ। देखो गांव में बहुत लोग हैं, मगर हम चारों को ही चोरी करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? भैया हाँ तो कहो, इन सबका सर फोड़ दूंगा। पांडे सुनो सुनो, हमें मारो मत, तुम इस गांव के मेले के लिए मदद कर रहे हो ना? क्या कहा आपने, वापस कहिए। पांडे आप इस गांव के मेले के लिए मदद कर रहे हैं ना? क्यों भाई, कुंभ अभिषेक की तैयारी कर लो, गणपति मिल जाएगा। कुंभ अभिषेक के लिए तैयारी कर लीजिए, सब हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारा खानदानी काम है, कुंडी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताला बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ कैसे? भगवान की प्रार्थना करने आए हो? प्रार्थना करने के लिए नहीं, मूर्ति ले जाने आए। क्या पांडे तू भी जोर से ऐसी बातें कर रहा है? चल चल हम लोग अपना काम करते हैं, वरना लोग नहाकर मंदिर में आ जाएंगे। चल चल चल। ठीक है, मूर्ति चुराने के लिए हम लोग यहाँ आए और तुम खुद यहाँ मूर्ति बन गए हो, बताओ क्या बात है? एक बुरा काम करेंगे तो एक अच्छा काम करना पड़ेगा। यहाँ चोरी करने के लिए आए हो, यहाँ क्या अच्छा करोगे? तुम दोनों उसको अच्छे से पकड़ो। पकड़ो उसे। अरे पहले मुंह खोल। ओम शिवा, ओम नमः, ओम बहा। चलो फॉलो मी। गणपति जी, आपको इस पीपल के पेड़ के नीचे से हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं, जरा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। आइए नीचे आइए। पकड़ो पकड़ो, गणपति की चोरी करके भाग रहा है। पकड़ो। वो धोती मुझे दे, और इसके बाद अगर हम लोग जिंदा रहे ना तो सब के सब वापस मिलेंगे, ठीक है? पांडे पानी चल। अरे चल जा यहाँ से तू। ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गणपत की मूर्ति चोरी करके भागा है, पकड़ो, जोर से पकड़ो। कौन हो तुम? पांडे? हाँ मैं ठीक पांडे बोल रहा हूँ। ची 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 ची, तू ठीक है? कितना भी बड़ा पहलवान हो उसको मैं पछाड़ सकता हूँ, लेकिन इसके सामने तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। अरे भैया थोड़ा सा मुझे जगह दे दो जाने के लिए। गणपति को लाया है, मेरे सर पर डाल देगा क्या? अभी देखता हूँ तेरे को, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे देवा, ये क्या, ये तो क्या कुत्ता दूसरी तरफ चला जा रहा है, उसे भी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती हो गई भैया। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, नहीं तो आज लोग हंसते। अरे अरे बाप रे। आने की सोच रही थी, आप खुद यहाँ आ गए। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो जीते रहो, तुझे दुनिया में हर चीज मिल जाएगी बेटी। कितनी खूबसूरत आंखें हैं, लाल लाल होंठ हैं। अगर मेरे हाथ में गणपति नहीं होता तो। कौन हो तुम? मेरा नाम पांडे है। तुम कब आए? तुम जब नहा रही थी। अरे भागो यहाँ से। पिताजी क्यों चिल्ला रही हो? चोर घुस आया है। इंस्पेक्टर के घर में चोर कैसे घुस सकता है? तुम्हारा भ्रम होगा। भ्रम होगा, मुझे नहाते देखकर भागिया, पकड़िए ना उसे, जाइए। तुझे नहाते देखा? कौन है वो? मैं अभी देखता हूँ।
अरे तुम लोग कहाँ से आ गए भाई? मुझे तो आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है सब कुछ? इस पहाड़ी जंगल में किसी ने घर नहीं बनाया है। पहाड़ी जंगल? हमारे शहर के बुजुर्ग लोग हमको पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने हमें इस जंगल में भेज दिया और इस गणपति के साथ हम तो फंस गए। अब कहाँ चले? अरे वे लोग पीछा कर रहे हैं। आराम से खड़े होकर हमारे पास बात करने का वक्त नहीं है। बाप रे बाप, गड्ढा है। अरे ज्यादा नहीं, 4 फीट गहरी होगी। अरे दिखने में तो 4 फीट का नहीं लगता है भाई। 4 फीट का गड्ढा है तो क्या हुआ? पहले गांव वालों से पीछा छुड़ाओ, खुद हो जाओ। बाप रे बाप, आसमान से टपके और खजूर फेंक के। अरे कहाँ फंस गए? लगता है और 25 फीट गहरी होगी। ए, यहाँ तो गड्ढा है, यहाँ कैसे जा सकते हैं? पता नहीं कहाँ भाग गया, अगर मिल गया तो उसे काट डालेंगे। हाँ। चलो यहाँ से। हाँ, चलो चलो। पांडे, हम बंदर के जैसे पेड़ पर लटके हैं। तुम हमें कहानी सुनाओ वरना हमें नींद आ जाएगी। जो बीता हुआ है वो बताओ, कि जो चल रहा है वो बताओ तेरे को। अभी जो चल रहा है वो कहानी सुनाओ यार। गणपति को लेकर भाग ही रहा था कि एक जगह पर एक लड़की मुझे नहाते हुए। पांडे, तुम कोई कहानी मत सुनाओ, सुबह होने दो। सुबह होते ही इस जंगल को हम लोग पार कर जाएंगे। सही कहा भाई। क्यों इस प्रकार पेड़ में लटके हुए हो? कोई मन्नत माने हो क्या? जान हथेली पर रखकर गणपति को चोरी करके लाने वाले महापुरुष यहाँ बैठे हैं। मुकेश का लड़का राकेश, गुगली का लड़का भुगली, राव का लड़का महेश। इन सबको आगे ले जाने वाला सुंदर पांडे का बेटा पांडे। पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद। ए पांडे, यहाँ देख पांडे। चुप नहीं रह सकते क्या? आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। गणपति की मूर्ति चोरी करके लाने वालों का नाम इस मंदिर के पत्थर पर लिखा जाएगा। इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ए धन्यवाद, ज्यादा मत बोल, मुझे शर्म आती है। कौन हो तुम? पांडे? हाँ भाई। ठीक है। श्रीमान शिक्षक महोदय, आपने बहुत अच्छा लड़का पैदा किया है। हाँ, बोल, आपको बोल, बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जब आप बूढ़े हो जाएंगे। हाँ। तो आपको चोरी करके भी खिला देगा। अचानक किसको क्या हो गया? अच्छा खासा तो बोल रहा था। महीने भर की पगार के ऊपर जीने वाला ये शिक्षक, इसकी कितनी चर्बी है। मैं इसकी सारी चर्बी निकाल दूंगा। सुंदर पांडे कहाँ है? बोल। क्लास ले रहे हैं सर। तू रुक कर बात नहीं करेगा, मैं तुझे देख लूंगा। ए सुंदर पांडे रुको। क्यों, अपने आप को गौतम बुद्ध समझते हो? क्या बात है, आप बहुत इज्जत देकर बात कर रहे हैं। क्या मजाक और मुझसे? सुनो, स्कूल में आऊं या ना आऊं, पढ़ाई करवाऊं या ना करवाऊं, मेरे बारे में ऊपर कंप्लेन करने वाला कोई है क्या? अरे भाई, मुझे तुम पर चिंता नहीं है। सबको सिखाने वाला शिक्षक अच्छा होना चाहिए ना। अगर शिक्षक खराब हो तो लड़के बिगड़ जाएंगे, इसी बात की चिंता है। चिंता करने की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम इस स्कूल के हेड हो क्या? तुमने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है? अगर तुमने आइंदा कोई गलती की तो तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाऊंगा। माँ, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, हर साल तुम त्योहार घर में नहीं यहाँ पर क्यों मनाती हो? ए, वो हमारा भाड़े का घर है, ये हमारी खुद की जगह है। परिवार की खुशी के लिए त्योहार मनाना जरूरी है। पांडे, मेरी एक इच्छा है, मरने से पहले यहाँ एक झोपड़ा हो, ऐसा चाहती हूँ मैं। अरे क्या हुआ? बंद कर, तुझे के यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाना है? मैं बनाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बंगला बनेगा। मेरा बच्चा, तेरी ये बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। अरे तू चाहती है ना, तो बन गया समझ। सब कुछ तैयार हो गया है, खाने आइए। ठंडा हो जाएगा। कपूर जलाइए। चलो त्योहार आ गया है। बोल बोल। हाँ हाँ, घर में खुशियाँ आए, घर में दौलत आए।
दौलत आए, घर में शांति हो, शांति हो, बुराई भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए। चलो खाने के लिए बैठो। अरे क्या बात है, खाना बन गया? पिताजी हटिए ना। अरे अरे लो पत्ता हाथ में लो, बैठ जाओ फटाफट खाने के लिए। वाह वाह क्या बात है, ये पत्ता थोड़ा छोटा नहीं हो गया? मम्मी ये पत्ता बहुत छोटा हो गया। ए पोटो हट, यहां से खा नहीं दूंगा तेरे को। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम खा खा के फालतू घूमते रहते हो, पिताजी ने कहा ये। खा खा कर मैं फालतू घूमता हूँ ये तुझे किसने कहा? मैं क्यों कहूंगा, पिताजी ने कहा था। रेनी में एक शादी है, वहां पैसे देने पड़ेंगे, ये 1000 रुपए देने को कहा है। इतने में मेरा क्या होगा? पिताजी ने इतने ही दिए हैं। अरे तेरे जेब में कितना भरा है? बैलेंस है। माँ खाना लाओ माँ। अरे मामा शेर खुरमा दो ना। ये लो तुम रखो। हाँ हाँ डाल रही हूँ। ये लो ले, तू अच्छी तरह से खा। माँ हाँ, तूने शादी करके ना एक अपाहिज लड़के को पैदा किया है। कैसी बात कर रहा है तू, मेरे 5 मोती जैसे बच्चे हैं। अरे घर से मोती को पैदा किया है तूने, इसको तो दिमाग ही नहीं है। बाप रे बाप, दिमाग नहीं है। ए, रुक, 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 अभी बताता हूँ। मुझे इसने माना शुरू किया तो क्या करूँगा? रुक 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 रुक। क्या पांडे, तेरे लिए हम इतनी दूर आ गए और तुझे हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं? क्या कह रहा तू यार, इतनी बड़ी दुकान पे खड़े होकर खाली हाथ जाने के लिए कह रहे हो? शादी में देने के लिए सिर्फ 1000 रुपए। तुम्हें वो लोग कितना पैसा दिए थे? 800 रुपए। तुम 1 रुपया ज्यादा डालकर 801 रुपया दे दो। ये बात भी सही है, 8 और 1 9 होता है तो बहुत अच्छा नंबर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया, 200 पैसा छुट्टा दो। ये ले। ए 1 रुपया पांडे को दे दो। मेरा 200 रुपए तेरे लिए पैसा है और उसका 1 रुपया तेरे लिए रुपए है तेरी। अरे कोई बात नहीं, अपने दोस्त ने मारा ना, चल अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे तुम लोग यार? रुको मैं अभी आता हूँ। ए पकड़ो, यहाँ हम लोग पी नहीं सकते, पांडे वहाँ इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी मिला। सुनो मैंने पिताजी से कह दिया मैं दूसरी ट्रेन पकड़ कर आ जाऊँ, लेकिन तुम्हारा लगेज शादी मंडप पे ले आना, मैं वहाँ से ले लूँगी। ए जल्दी पकड़ो ट्रेन चल पड़ी। अरे देखो उनका ट्रेन छूट गया, चल उनकी मदद करते हैं। चलो क्या कर रहे हो, चलो 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 चलो। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग थे, नहीं तो वरना इनका ट्रेन छूट जाता। मैं ट्रेन से नीचे उतरी और तुमने मुझे फिर से चढ़ा दिया, पागल कहीं के? तुम्हें नहीं चढ़ना था ट्रेन में, क्यों चढ़ूंगी मैं? एक दूं क्या? कैसी लड़की है, मर्द के ऊपर हाथ उठाती है? जिसके कमर में तिल होता है वो गुस्से वाली होती है रे। इसके कमर में तिल है, तुझे कैसे पता? मुझे है? समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बोलता है? अरे जोर से बोल, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे इसको नहाते हुए देखा था मैंने। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? 4 दीवारों के बीच की बातें 400 लोगों को बताने की क्या जरूरत है? चुपचाप नहीं रह सकते माइक दू के पूरे शहर को बताने के लिए? ठीक है बताता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ट्रेन में ऐसा लग रहा है कि बर्थ कंफर्म हो गया और आराम से तुम मेरे ऊपर सो कर जा रही हो, क्या बात है? अरे बाप रे, अरे क्या मैं तुम पर गिर गई थी? हाँ तुम मुझ पर गिरी थी। अरे बाप रे, क्या तुम पर गिरी थी? मुझ पर यहाँ था। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? कब कर रही है? अरे इसको क्यों गिर तूने यार? इसको रोको 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 रोको। अरे मत पी, कहाँ चले गए? अरे मर जाएंगे। अरे 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 अरे, अब क्या होगा? सारा भेद खुल जाएगा, ये तो पी गई भाई। ये पानी मुझे अलग क्यों लग रहा है? ये गुड पीने के बाद पूछना चाहिए था, अब सारा पीने के बाद पूछ रही है। अरे जान दे पूरा पी गई है, ये अचार चख लो। चलो ए हट, अचार देने आया। अरे चाट लो शरीर के लिए अच्छा है। क्या कर रही है तू, चेन खींच रही है? चेन खींच कर किसने ट्रेन रोकी? इस लड़की से गलती हो गई, बस समझ कर ट्रेन में चढ़ गई। क्या बात करते हो यार, ट्रेन और बस को ठीक से पहचानते नहीं हो। चलो अब जल्दी से 500 रुपए निकालो। 500 रुपए? क्या आपने मुझे उधार दिया था? सुनो पांडे, एक खूबसूरत लड़की तेरी बाहों में है, इसके लिए सुंदर पांडे का जायदाद भी बेच कर दे सकते हो। सिर्फ 500 रुपया ही तो है, दे दो। करेक्ट। इसके बारे में अच्छी बातें बोलो तो इसको सुनाई देती है। सामने टीटी खड़ा है, कुछ और बोल रहा है, वो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत होशियार है। अरे यार पैसे तो देने पड़ेंगे ना, ऐसे जान थोड़ी छूटेगी। ये ले जल्दी ट्रेन को रवाना कर, इस छोकरी को गर्मी हो रही है भाई। अरे दारू पी कर हूँ, क्या कर रही हो? सही ढंग से बात करो। लड़की ने अच्छी जगह ढूंढ ली यार उल्टी करने के लिए। कहाँ उल्टी करना है और कहाँ सोना है उसको बराबर मालूम है। गर्म हवा हम खाएं, ठंडी हवा तुम खाओगे।
एक्सक्यूज मी, हमको अभी उतरना पड़ेगा, आप जरा हट जाइए, हमसे दूर हो जाइए। अरे तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? एक शरीफ लड़की को उठा कर ले आए और अपनी बाहों में सुलाकर रखा था। औरत, ये भी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? मुझे अपनी बाहों में क्यों रखा था? मुझे अपनी घरवाली समझा क्या? तुझे तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। 25 किलोमीटर तुझे इधर उधर से बचा कर लाया और यहाँ पर रखा। सर अभी हाथ जोड़ कर थैंक यू बोल। तेरी तो छोड़ूंगी नहीं, रुक जा, रुक। अरे ये तो हम लोगों के उतरने की जगह है, तू क्या वापस आराम करेगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। खामखा तुम मुझे डांटो मत। जब तक नशे में थे मेरी बाहों में आराम कर रही थी, अब नशा उतर गया तो डांटे लगे। एक चीज बता, तेरे को नशा होता भी है कि नहीं? आधी तो मेरे मुंह पे उल्टी कर दी, फिर तो नशा उतरेगा ही ना। अरे तुम तो घर जा रही थी ना, इनसे क्यों झगड़ने लगी? पागल, मुझे खींच कर फिर से ट्रेन में चढ़ाया। अरे खींच कर नहीं, बाहों में आराम से लेके आया हूँ। क्यों खींच कर लाए हो, क्या तकलीफ है आपको? आप इतने प्यार से पूछ रहे हो तो बताता हूँ। इस लड़की को ट्रेन में चढ़ना है समझकर हमने इनको ट्रेन में चढ़ा दिया, फिर तो ये हमें डांटने लगी। इसने पूछा कि क्यों उसको इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा इसके कमर में तिल है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसकी कमर पर तिल है, आपको कैसे पता चला? पूछ रही है, बोलो बोलो बोलो। हाँ बताता बताता तो बता, मैंने इसे नहाते हुए देखा था। इसलिए इस पागल के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। खरीदे हुए माल को कहाँ रखा है? थैली में रखा है। उसको संभाल कर रखो। अरे संभाल कर रखा है यार। तुम लोग ये करके तब से चिल्ला क्यों रहे हो? ये पांडे, पहले ही वो लड़की एक पी करके चली गई, अगर इसको भी हम गवा दिए तो मैं सर फोड़ कर मर जाऊंगा। ए पांडे, तुझे आने में इतना देर क्यों हो गया? तेरी शादी है और हमको बता नहीं? सारे लोग कह रहे थे तेरी शादी हो रही है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुबह सुबह मुहूर्त है, ये बताकर मुझे यहाँ मंडप पर लाया गया। लगता है सो करके सपना देख रहा था। जाने दो इसे, चल ठीक है, इससे आधे का इंतजाम करवाओ। मिलाओ मिलाओ जल्दी जल्दी, अच्छे से मिलाना। वो लड़की फिर से आ गई। वाले ये लो, आपके हाथ से तो कुछ भी नहीं पीऊंगी। तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? पानी में क्या मिला था, ये अलग लग रहा है। सुन रहे दाड़ी, ये लड़की बहुत प्लान करके काम कर रही है। एक घूट पीने के बाद पूछना चाहिए था ना, पूरा पीने के बाद पूछ रही है। करेक्ट। अरे एक बूंद भी नहीं छोड़ा, तू क्या बेवड़े की बेटी है क्या? करेक्ट। अब ये काम कर, खाली पेट पिया है, अब ये अचार खा ले, चल। करेक्ट 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 बोलकर सारे काम गलत करती है रे। मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, कम सन उम्र में जवानी चढ़ी है। मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, इसे कम सिन उम्र में जवानी चढ़ी है। मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, कम सिन उम्र में जवानी चढ़ी है। ये मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, इसे कम सिन उम्र में जवानी चढ़ी है। सरक 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 जाइने दिल मेरा, जवानी की मस्ती में सब कुछ गया। ये सरक 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 जाए रे दिल तेरा, जवानी को देख दिल धड़के मेरा। मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, कम सुन उम्र में जवानी चढ़ी है। ये मस्ती छाई है, जवानी चढ़ी है, इसे कम सुन उम्र में जवानी चढ़ी है। ना इस गली में ना उस गली में प्यार मिले मेरी गली में। कहने से क्या होगा, लेके तो जाओ प्यार की गलियों में मुझको। ए आना है जिसको, आएगा जो वो पाएगा प्यार का मजा। हाँ, कहने से क्या होगा, लेके तो जाओ प्यार की गलियों में मुझको। इतना मस्ता डरा
ना आसा जो होता अगर होते वो पीकर पड़े इसे पीना ना छूना ना कोई भी इसको है सरक 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 जाए रे दिल मेरा जवानी की मस्ती में सब कुछ गया ये सरक 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 जाए रे दिल तेरा जवानी को देख दिल धड़के मेरा दो घुट पिलाने की बातें वो सुन के कितना करता दो घुट पी के तू ही बता यार आखिर होता है क्या हाँ, दो घुट पिलाने की बातें वो सुन के कितना करता यहाँ अरे दो घुट पी के तू ही बता यार आखिर होता है क्या बिन बोले पता न चले पैसे खुद न बताए पैसा है क्या और मजा है क्या इसको पीने का है सरक 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 जाए रे दिल मेरा जवानी की मस्ती में सब कुछ गया ये सरक 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 जाए रे दिल तेरा जवानी को देख दिल धड़के मेरा मस्ती छाई है जवानी चढ़ी है कम सन उम्र में जवानी चढ़ी है ये मस्त छाई है जवानी चढ़ी है इसे कम सन उम्र में जवानी चढ़ी है सरक 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 हे सरक 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 जाई रे दिल मेरा जवानी की मस्ती में सब कुछ गया ये सरक 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 जाए रे दिल तेरा जवानी को देख दिल धड़के मेरा हाथों से बोतल छीन ली थी दूसरा कोई होता तो पता नहीं क्या करता नाचते समय तेरा दुपट्टा गिर गया था तो उसने ठीक किया था पता है वो बात नहीं है जब से उसने इसे बाथरूम में देखा तभी से प्यार हो गया उसे ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुझे शक है तो खुद ही देख ले किसे देख रही है अब किसी को नहीं मुझे पता है तू किसे देख रही थी चुप रहो ना उस बगल के गांव वाले को बाद में देखना अभी चल देर हो रही है पांडे तू इतना उदास क्यों है एक खूबसूरत लड़की है हाँ। मोर की तरह है हाँ। परिवार वाली है सब समझती ठीक हाँ। है ठीक है मैटर परा तुम लोगों की वजह से उसने थोड़ी सी दारू पी ली और उसकी बेइज्जती हो गई ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो कहानी तुम पर लागू हो गई क्या ए, जैसा तू सोच रहा है वैसा मैं नहीं हुआ मैं पांडे हूँ किसी लड़की के चक्कर में फंसने वाला नहीं है भाई पांडे वो लड़की जा रही है हाँ जा रही है तो जाने देना भाई अरे जा रही है डैडी इंटरव्यू का टाइम हो रहा है चलिए खाना खाने बैठते हैं ठीक है अच्छी तरह से तैयारी कर लिया ना हाँ पिताजी खाना तैयार है क्या हाँ पिताजी माँ पिताजी खाना खाने आ गए ठीक है तुम उस डोसे को पलट देना उठ लिया खा लिया नहा लिया रेडी हो लिया अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं माँ आइडिया देना कोई एक आराम से बैठा है जाकर इस चप्पल को सही करा कर ला सर फोड़ दूंगी तेरी हिम्मत कैसी हुई उससे चप्पल सिलवाने की माँ जाने दे माँ छोटी लड़की की गलती हो गई है मैं जाता हूँ आजकल बहुत बिगड़ गई है अरे माँ डांट क्यों रही हो अभी वो कॉलेज जाने वाली है थोड़ा और ले लो चलो चलो बस हो गया
लो पहन लो। क्या बात है, तू तो ये भी कर लेता है। चलो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत निकल गई ऐसा। छोड़ो माँ, बच्ची को क्यों मारती हो? उसने सच तो कहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा बेटा नहीं है क्या? कहीं से उठा कर लाई हूँ क्या? सब लोग डांटते रहते हैं, कहाँ जाएगा वो? अच्छा ठीक है ठीक है, बच्ची का पहला दिन है कॉलेज का, उसे जाने दो। बेटी तू जा। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट बहन। थैंक्स। खुश रहो खुश रहो। मैं तेरे पैर नहीं पढ़ने वाली। पैर छूलोगी तो छोटी हो जाओगी। राज भैया का आशीर्वाद काफी है। बिगड़ गई है। चल तू अंदर, चल अंदर। सुनो बेटे, वो तेरे पैर नहीं छूती, इसके लिए चिंता मत करना। तू चिंता क्यों कर रही है माँ? एक दिन वो अपनी गलती समझ जाएगी और मेरा पैर छूना चाहेगी, तब कौन कहाँ पर किसको मालूम। टिकट। अरे टिकट। सोना भट्टे के लिए 4 टिकट। छुट्टा नहीं है, छुट्टा नहीं है। ये लो 50 रुपए। छुट्टा नहीं है बोला ना। 100 का है मेरे पास। ए छुट्टा नहीं है बोला ना, तुम 50 का नोट दिखा रहे हो। चलो नीचे उतरो, टिकट के लिए छुट्टे पैसे निकालो, नहीं तो चुपचाप नीचे उतर जाओ। बकवास करते, पुलिस को बुलाऊंगा। क्या पांडे खामखा खड़े हो, आज जेल है कल बेल है, इसको अभी का अभी टपका डालो। मुझे टपकाने की बात करता है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ए अभी तो तूने शुरू कर दिया है, अब तो तू मेरी जायदाद है, अब देख क्या होता है। चल दे। ये क्या कर दिया, मेरी विसिल दे, मेरी विसिल दे, विसिल दे। क्या माँ जी, ठीक हो? और बताओ कैसी हाँ हो? भैया जिंदगी गुजार हाँ, रही हूँ। आपके 2 बेटे थे, वो आजकल क्या करते हैं? बड़ा वाला खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हाँ। होती है। छोटा वाला शराब बेचकर खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसे अंदर मत डालना, हम लोग रिश्तेदार हैं ना। हाँ। हाँ? दूसरी कोई बात तो नहीं है? नहीं और कोई बात। चलो चलता हूँ। अरे बाप रे, इसकी शक्ल जानी पहचानी है, कहीं ये वही तो नहीं? अरे अरे, मेरी बहन आ रही है रे। अगर ये जान गई ना तो पूरा घर जान जाएगा। ठीक है पांडे, तू सही कह रहा है, तू घर में जो गलती कर रहा है ना, उसके लिए तेरे पिताजी हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। तू चिंता मत कर, हम उस लड़की से बात करके तुम दोनों को मिला देंगे। बात करने के लिए मदद करने की बात कर रहा है यार, वो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है। चलो भैया थैंक यू। पांडे शाम को इसका बंदोबस्त, समझ गया ना? अभी पता चल गया, चल तो जा जा। मछली भी लेकर रखना। हम लोग चलो ना। चल। अरे वो देख, वो लड़की पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही है। पुलिस है तो क्या, हम डर गए क्या? चलो देखते हैं। जहाँ रिश्तेदार हूँ वहाँ काम करने में तकलीफ होती है, जिसको अरेस्ट करने जाता हूँ कोई भाई कहता है, कोई भांजा कहता है। तुम यहाँ कैसे? मैं अपनी सहेली के घर जाने आई हूँ, यही कहना था। आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? मेरे भाई को अंदर कर दिया है क्या? क्या, कैसी बहन हो, हमेशा तुम अपने भाई पे इल्जाम लगाती हो। ये हमारा और पुलिस का डायरेक्ट डील है, तुम्हें यकीन नहीं है क्या? ये सही कह रहा है, तू अभी छोटी बच्ची है, तुझे ये सब देखने का नहीं, तू चुपचाप जा अपना काम कर। तुम बड़े बहादुर हो ना। चलो चलो देखते हैं हम। ए मेरी तुमसे कोई पहचान तो नहीं है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? आपको देखने नहीं आया हूँ, इस खूबसूरत राजकुमारी को देखने आया हूँ। किसके लिए देखने आया? ये सब पर्सनल मैटर है। अरे पर्सनल मैटर में बीच में पढ़ने का नहीं, अपना काम करो और मस्त रहो, समझे क्या? अरे तुम लोग जमीन पर गिरे हो, क्या बात है भाई? सुनो पांडे, वो कह दी कि हम किसी को नहीं जानते। अरे तुम लोगों को नहीं जानती होगी, मुझे तो जानती है। उसने कहा हम सबको नहीं जानती है, फिर तुम्हें कैसे जानेगी वो? सच कह रहा तू? हाँ। मैं उसके और उसके बाप को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। हट, आज तो दूध का दूध और पानी का। अरे पांडे वो लड़की तुझे बुला रही है। तुम लोग जितना मार खाओगे तुम लोग सुधरोगे नहीं। हाँ क्या पांडे, जैसा गया वैसा वापस चला आया। मैं किसी लड़की से डरता नहीं हूँ, मैं तो गया था उसके बाप से मिलने के लिए, सामने वो आ गए तो मैं क्या करूँ? लड़की का बाप तो अंदर था। कहाँ? स्टेशन में। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कितनी जल्दी से वहाँ से वापस आया। बताया तो था। समझते नहीं यार तुम लोग। मुँह फेर लोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हाँ ये सुनो, यहाँ देखो। अरे तुम लोगों को बोल रही है मुड़ो रे। मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ मुड़ो। अरे बोल रही है मुड़ना। तुमसे कह रही है, तुमसे। मुझे देखकर कह रही है तू? हाँ। क्या तुम मुझे देख? अरे मुझे क्या करना होगा? पीछे बैठो। ठीक है। रुको रुको रुको, कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो? क्या है? इस सुनसान जगह में मुझ जैसे लड़के को लेके आती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी माँ मुझे डांटेंगी। ए, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुझे कहना चाहिए वो तुम कह रहे हो? मैं लड़के से डरता हूँ, इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए। चुप। ये लो। ये क्या है? खोल कर पढ़ो ना।
ये सब क्या है, उल्टा है। खोल कर पढ़ो तो सही। आप मुझे बहुत डरा रही हैं। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। घुसा दूंगी ना, पढ़ो पहले। मोरनी की तरह आंखें हैं। करेक्ट है। लाल लाल होठ है। ये भी करेक्ट है। मैं नहीं झेल सकता हूँ। कोई दूसरा तुम्हें लव लेटर लिखेगा, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं क्या? ये सब झेलने के लिए मेरा दिल पत्थर का नहीं है, कोमल है वो। पत्थर है या मुलायम बाद में देखूंगी, पहले ये पढ़ो। चंद्रमा की तरह सूरत है। करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उसलम पट्टी पांडे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ट्यूबलाइट तुमने नहीं लिखा, इसलिए मैंने खुद लिखा है। ठीक है, मैं ट्यूबलाइट हूँ, मैं मानता हूँ, मगर आप इस चिट्ठी में चंद्रमा की तरह खूबसूरत है ऐसा लिखा है, ये सब झूठ है। मेरा चेहरा चंद्रमा जैसा नहीं है क्या? मानोगे या नहीं मानोगे? मानूंगा। मानोगे या नहीं मानोगे? तो फिर रहने दो, मैं चलती हूँ। अरे रुको 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 रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तेरी जवानी चक चक करती, तेरी जवानी चक चक करती, तेरी जवानी चक चक करती, तेरी जवानी लगती है तू पूरी सेक्सी। चश्मा भी सेक्सी, चलना भी सेक्सी, रुकना भी सेक्सी, लिप भी तेरा लगता सेक्सी। चश्मा भी सेक्सी, चलना भी सेक्सी, रुकना भी सेक्सी, दिखती भी है वेरी सेक्सी। चलती हूँ सेक्सी, लगती हूँ सेक्सी, रुकना भी सेक्सी, भी मेरा आल्सो सेक्सी। बनी तू है, बनी मेरे लिए, मेरे दिल में तेरी जगह बनी। चलूंगी मैं तेरे साथ हर पल, रहूंगी मैं तेरे दिल में पल पल। तेरी हर अदा पे फिदा हूँ मैं चाहूँ तुझको पल पल। ना जुदा हो तू मुझसे, सुन ले मेरी लैला। चक चक करती तेरी जवानी, चक चक करती तेरी जवानी, चक चक करती तेरी जवानी, लगती है तू पूरी सेक्सी। दिखला ओ जानम, कैसी भी चाल हो मेरी, मैं तो बन के रहूंगी साया तेरा। तुझ में तो बसी है मेरी जा मेरी जानम। लाइन पे आता है तू, थोड़ा घबराता है तू, पर तेरी बातों में तो जादू है। चलती हवाओं का भी ले ले सहारा, दिल भर बहती दरिया में तू सहारा है। तेरी चाहत में मेरी चाहत है। चक चक करती तेरी जवानी, चक चक करती तेरी जवानी, चक चक करती तेरी जवानी, लगती है तू पूरी सेक्सी। चश्मा भी सेक्सी, चलना भी सेक्सी, रुकना भी सेक्सी, तेरे जैसा कोई न दूजा। तेरे बिना नहीं लगता, आओ तेरी बाहों में तो दिल मेरा धड़के। कहीं भी दिल लगता नहीं, एक झलक दिखा जा दिल रूबा। पास मेरे आजा तुझे झलक दिखा दूं, मेरी अदा है तू दीवाना, दिल चाहे जा भी तू कर ले दीदा। मेरी अदा है तू दीवाना, दिल चाहे जा भी तू कर ले दीदा। तू दे दे इसी बात पे चुम्मा, दे दे चुम्मा, दे दे चुम्मा। इसलिए आपने मुझे बुलाया है सुंदर पांडे। इस समय हेडमास्टर की पोस्ट आपको मिलने वाली है। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो ये पोस्ट मुझे मिल जाएगी। तुम्हारी सर्विस के सिर्फ 7 साल बाकी हैं।
और मेरी सर्विस के भी 15 साल। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, उसको लेकर तुम वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लो और वो पोस्ट मुझे मिल जाएगी। काम करते वक्त कब रिटायरमेंट होना है इसका फैसला सरकार करती है। हम खुद ही VRF ले लिया तो उस काम को बिना खुशी से किया था यही लगेगा ना। रिटायर होने तक मैं यहाँ काम करूंगा, उससे पहले यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे? इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 1, 2, 3 ये दाढ़ी इतना पैसा लेके खेल रहे क्या पांडे? आज से हम सबका तकलीफ दूर हो जाएगा। ये हमारे गांव के बगल में रहता है, 500 रुपया दिया तो 1000 रुपया देता है। क्या कोई मैजिक है क्या? ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल, इसमें कोई अंतर मालूम पड़ रहा है? देखो तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है? तुम 1 लाख रुपया दोगे तो मैं 2 लाख रुपया दूंगा। ये काम मैं समाज सेवा के रूप में कर रहा हूँ। पांडे ये पैसा रखकर कोई अच्छा धंधा शुरू कर देंगे हम लोग। हम लोग 10 गाय खरीद कर 10 लोगों को काम दे देंगे। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तू सोच क्या रहा है? अरे 10 गाय की बात कर रहा है, 100 गाय खरीदूंगा और 1000 लोगों को काम पे रखूंगा। मैं सोच रहा हूँ। अरे पांडे तुम्हारे पिताजी को कुछ गुंडे मार रहे हैं, जाकर के उन्हें तुम जल्दी बचाओ। बदमाश कहीं के, तेरी वजह से गुंडे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार को चलाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे मरवा कर सबको रोड पर लाना चाहते हो तुम? ऐसे क्यों घूर रहा है? ये नहीं सुधरेगा, इसको काट कर फेंक दो। ये जिंदा रहकर हर रोज मेरे दिल को दुखाता है, अगर मर जाएगा तो एक बार ही दुख होगा। ए, मेरा परिवार मेरे लिए मंदिर जैसा है। मेरी माँ को किसी ने गलत कहा था तो उसकी जीभ मैंने निकाल दी थी और उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा। तूने मेरे बाप को मारने की कोशिश की, अगर उन्हें कुछ हो जाता था तो तेरे परिवार को मैं जड़ से खत्म कर देता। ए, अपना खेल खत्म कर। अगर पांडे ने अपना खेल चालू किया ना तो समझ लिया। ये लो, सूखी मच्छी बनाई है, काफी मच्छी रखी है, अच्छी तरह से पेट भर के खा ले। ए, वहाँ तुम अकेले में किससे बात कर रही हो? मैं पांडे से बात कर रही हूँ। मच्छी बहुत अच्छी है। अरे उठ। अरे ये क्या, मुझे मच्छी का शरबत चाहिए। मत मारिए इसको। शरबत चाहिए मच्छी का। छोड़ूंगा नहीं, तुम हट जाओ, सामने से हट जाओ तुम। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे मरवा देगा तो ये परिवार कैसे चलेगा? छोड़ दे इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, जल्दी निकल। इसे मेरे सामने से हटा दो, मैं कहता हूँ हटा दो इसे मेरे सामने से। बहुत हो गया इसकी दादागिरी, ऐसे नहीं चलेगा घर में। अगर रहना है तो मेरी बात सुनना पड़ेगा। अब जाता क्यों नहीं है? अरे पांडे। हाँ? तू सर्दी में यहाँ क्यों सो रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? खाना लेकर आई हूँ बेटा। किस वक्त तुम्हें पैदा किया पता नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बिल्कुल नहीं जमती। अभी तू क्यों रो रही है? खाना खाया? तुम कितने प्यार से मच्छी लेकर आए थे, वो भी तुम्हें खाने नहीं दी, मार कर भगा दिया। मेरी वजह से तुम्हें वैसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तुम भूख नहीं झेल पाओगी। पहले तुम खाओ। पहले तू खा, मैं बाद में खाऊंगी। ए, देख कर खाना, कांटा होगा उसमें, ला मैं निकाल दूं। क्या देख रहा है? कुछ नहीं माँ, हर बार जब पिताजी मुझे मारते थे तो भगवान को डांटता था ये कहकर कि ऐसा पिताजी क्यों दिया, और दूसरी तरफ तुम्हारी तरह मां देकर ऊपर वाले ने मुझे बहुत खुश कर दिया। माँ तू क्यों रो रही है? माँ इधर देख। माँ मच्छी की भाजी तू बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन आज तो तूने और भी बहुत अच्छा बनाया। आज मेरे पास पैसा नहीं है,
लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा ना माँ, इन कलाइयों को मैं सोने की चूड़ियों से भर दूंगा। मुझे इस तरह होटल में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर के बगल में नानी इडली बनाती है, जो मिर्च चटनी देती है ना, खाने में उसका बहुत मजा आता है। आइंदा वहीं पे खाया करेंगे। घुमा फिरा कर बातें मत करो, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम्हारे दोस्त ने बताया। आप ये सारा पैसा मुझे दे रही है? तुम खर्च करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तू गर्व से बोल रही है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो हा? नहीं, तुम अगर बार बार बोल रही हो तो फिर मैं रख लेता हूँ ना, अब क्या करूँगा। हाँ, सिर्फ ये खाने के लिए इतना दूर हमको आना पड़ता है। नानी को बोल देते थे ना तो हमको गर्मा गर्म इडली बना के खिलाती थी। चुपचाप खाओ। ठीक है, हम दोनों हिम्मत करके घूम रहे हैं। जिस दिन घर वालों को पता चलेगा ना, क्या होगा पता नहीं। मेरे घर वालों को पता चला ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस घर में मैं हेड हूँ। लेकिन अगर तेरे पिताजी को पता चला तो मेरा क्या हशर होगा मुझे पता नहीं। कपड़ा उतार के मारेंगे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। मेरे घर में मैं हेड हूँ। अरे तुम तो मेरी डायलॉग बोल रही हो। मेरा खाना हो गया है, हाथ धो के आता हूँ। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं और पांडे यहाँ खाना खाने आए थे, फिर मुझे यहाँ बैठा कर चला गया। कहाँ गया पांडे? पता नहीं कहाँ चला गया। दिलीप तो कितने दिनों से ये सब चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो पहले। क्या सुनूं तुमसे? हाँ? प्लीज पांडे, मुझे गलत मत समझो, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। कल अपने परिवार को आपके घर शादी की बात करने के लिए भेजूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी करो, काट कर फेंक दो मुझे। सॉरी। आ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। आइए, अरे तू हट यहाँ से, बैठिए, ले पकड़ यहाँ पे, बैठिए बैठिए। क्या उधर जा, मैं पढ़ाऊँ? आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई, अगर दहेज के साथ आएगी तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। सुनिए सुंदर जी, लड़के वालों ने अपनी बातें कह दी हैं। आप दहेज में कितना देंगे अगर ये कहें तो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद आगे बातें शुरू की जाए। आप कितना मांगेंगे ये तो हमें पता नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि शिक्षक की कमाई में घर चलाना कितना मुश्किल काम है। अगर मेरी एक ही बेटी होती तो आप जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा ही देता मैं, मगर इसके बाद दो लड़कियां और भी हैं, उन्हें भी तो देना होगा ना। आपके घर में बहु इज्जत से जाए यही सोच रहे हैं ना, और हम भी अपनी बेटी को सर झुकाकर नहीं भेजेंगे। इधर उधर से उधार लेकर करीब 30 तोला सोना और 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है ना, हमें ये लड़का पसंद है इसलिए इतना दे रहे हैं। आपने तो सारी मन की बातें कह दी, चलो अब मंगनी की रस्म अदा की जाए। चलिए। अभी से उधार लेना शुरू कर दिया, आगे 2 लड़कियां और हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? तब तक बड़े बेटे की नौकरी लग जाएगी और मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, मुझे प्रोविडेंस फंड का पैसा मिलेगा और उससे शादी करवा दूंगा। ये लीजिए लीजिए। मुझे आप पर भरोसा है, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, इन पैसों को संभाल कर रखना, मुझे इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने में पसीना छूट गया। अभी से गहने का ऑर्डर दे दूंगा तो शादी से पहले तैयार हो जाएगी। एक अच्छा मुहूर्त निकालो, उसी दिन सुनार के पास चलते हैं। राज पांडे जी, डैडी, एक काम करो। हाँ। ये सारे इनविटेशन कार्ड्स रिश्तेदारों में बांट दो। वो किस लिए? अरे बोल देना पिताजी जरूरी काम से बाहर गए, बिना कार्ड दिए वापस मत आना। तुम मेरी जगह पर हो, सबसे इज्जत से बात करना, समझ गए? चलो जाओ। चलो वो थैली ये लो। माँ जा रहा हूँ। माँ ठीक है बेटा। 1, 2, 3, 4 घर में शादी है, सब लोग शादी के काम से भाग रहे हैं, ये आराम से मस्ती कर रहा है, मुझे भी ऐसी औलाद मिलना था। 5, 6, 7, 8, 9 मेरी प्यारी माँ, मेरी बात सुनो। मुझे बहुत काम है, बोलना।
तेरे पति मेरे बात सुनते नहीं है और तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। क्या बात है बोलना। अरे वो क्यों पैसे के लिए कष्ट कर रहे हैं? अरे मुझे देने को बोलो ना, मैं डबल करके दिखाता हूँ उनको। डबल मतलब? हाँ डबल, 1000 को 2000, 2000 को 4000 और 1,00,000 को 2,00,000 करके दिखाऊंगा, बोल दूं। उतना पैसा मिलेगा? हाँ। कैसे? अरे वो कैसे मैं समझाता हूँ। क्यों उसके हर बात को हाँ में हाँ मिला रही हो? अब तक तो अकेला ही जेल गया था, पूरा परिवार को जेल भिजवा के छोड़ेगा। वो जिस जगह पर खड़ा है ना, वहाँ फिनाइल डालकर साफ कर दो। आइडिया दे रहा है पागल की तरह। माँ यहाँ बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। इधर खड़ा हो ना, करके दिखाऊंगा। हाँ करूंगा, कर दूंगा बिंदास। कुछ भी बोलता है। क्यों पायल कहाँ जा रही हो? रिश्तेदार के घर पर आई थी, बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? अरे ये कोई पूछने की बात है, छोड़ देता हूँ मैं तुमको, चलो। मेरी किस्मत में तो लिखी नहीं है, साइकिल की किस्मत में लिखी है, लेके जाओ। अरे इसको बिठाकर साइकिल चलाना बहुत भारी पड़ेगा ऐसा। ए, क्या कह रहे हो? बोल रहा था वो लड़का, और जितना मेरी मम्मी खिलाती है ना वो सब पसीने में निकल रहा है। एक रुपए को 2 रुपए करेगा तू, डबल करेगा, डबल करेगा, डबल। बेईमानी का काम करता है, समझता है कि सोशल सर्विस कर रहा है? बताता हूँ तुझे, अरे जेल में सड़ेगा तू, जेल में। समझता क्या अपने आप को? ले चलो इसे। भावना तुम्हें पता है पांडे कहाँ है? वो नाचने वाली पायल के साथ घूम रहा है। पांडे की माँ, पांडे की माँ बोलिए। शादी के लिए 2 दिन बाकी है, वो गहने तैयार हो गए हैं, पैसा दे दो मैं उसे लेके आता हूँ। ठीक है। ये क्या कपाट खुला है? हे भगवान सुनिए। क्या? हे भगवान सुनिए। क्या क्या हुआ? आपने पैसे कहीं और रख दिए क्या? मैं क्यों पैसा लूंगा, तुम्हें रखने को दिया था। अरे मैंने तो यही रखे थे। चलो हटो, मैं देखता हूँ। शादी रुक जाएगी, अब क्या होगा? कहाँ रखा था तो कहाँ गया? कहाँ चले गए पैसे? कहीं उसने तो नहीं लिए होंगे। पैसा गुम नहीं हुआ, पैसा गुम नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने इधर उधर से उधार लेकर बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? ये जरूर उसी का काम है, उसे आने दो। कहाँ है पैसा? कौन सा पैसा? चला हट। कहाँ है पैसा? बोल कहाँ है पैसा? मैंने नहीं लिया। बोलता क्यों नहीं? मैंने पैसा नहीं लिया। हट जाओ, हट जाओ, छोड़ दो मुझे। पैसा कहाँ छुपा के रखा है? नहीं तो मैंने पैसा नहीं लिया इनका। बता बता पैसा कहाँ? मुझे छोड़ दो, मैं पागल हो गया हूँ मैं। अरे मैं कह रहा हूँ मैं पैसा नहीं लिया। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, पागल हो गया हूँ मैं, छोड़ दो मुझे। बोल पांडे पैसा कहाँ छुपा के रखा है? बड़ी मुश्किल से उधार लेकर आया था, तूने उसे चुरा लिया। अरे कह रहा हूँ मैंने पैसा नहीं लिया। नहीं है तेरे। भावना छी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम पर मैंने भरोसा किया, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए वो एक नाचने वाली पर उड़ा रहे हो, और अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हो, मुझे भी धोखा दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। आज के बाद तेरा इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। अगर पैसों के कारण मेरी बेटी की शादी रुक गई तो समझ ले तेरा बाप मर गया। पापा माँ, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। हमारा परिवार डूब गया। अरे तुम रो क्यों रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बहन की शादी नहीं होगी बेटा। इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम माँ? तेरे बड़े भाई ने एक चिट्ठी लिख के हमारी किस्मत पलट दी। इस तरह की बातें क्यों कर रही है तू? पापा पापा ये चिट्ठी मुझे दो ना। अरे मुझे देना चिट्ठी।
पापा मैं राज पांडे, आपने मुझ पर बहुत भरोसा किया है वो मुझे पता है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सामने वाली मंजुला के साथ नई जिंदगी जीने के लिए इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी जिंदगी की शुरुआत के लिए बहन की शादी का पैसा लेकर जा रहा हूँ। हमारी जगह को बेचकर किसी तरह बहन की शादी करवा दीजिए, जायदाद में मेरा भी तो हिस्सा है ना, इसलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। मैं वापस आकर आपको तंग नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पापा वो क्या तो जाने दो, आप क्यों मातम बना रहे हैं? बहन की शादी का इंतजाम मैं करूंगा। पापा मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। पापा आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, एक बार पापा मुझ पर भरोसा तो करो, मेरी तरफ देखो पापा। पापा मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। माँ मैं भी उस बहन का भाई हूँ, मैं उसकी शादी जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे माँ। क्या तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैंने तुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, बोल माँ तुझ पर भरोसा करती है, ये मेरे लिए काफी है माँ, करती है भरोसा। मम्मी देखो मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगा, सब लोग देख लेना। चिंता मत करो पांडे, गहने के पैसे हम लोग दे देंगे। तूने कहा था कि 1,00,000 कम है, तू तुरंत उस काउंसिलर से जाके मिल, वो कुछ जरूर आइडिया देगा। इसकी चिंता मत करो, मेरा एक पहचान वाला ब्याज पर पैसा देता है, मगर पैसा लेकर वापस नहीं किया तो बहुत टॉर्चर करता है, इसका ध्यान रखना था। क्या रे, शादी के पैसों के लिए मेरी जरूरत है? अगर कोई मर गया तो उसके पैसों के लिए मेरी जरूरत है, और ब्याज मांगूं तो अगल बगल भी नजर नहीं आता है। मारो और मारो, तू किसे धोखा दे रहा है? कब देगा मेरा पैसा वापस? बोल बोल जल्दी, बोल जल्दी बता। सुनिए भैया। आओ काउंसलर, क्या बात है, किसका किडनैप करना है? नहीं नहीं भैया, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। क्या रे, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, उसको मारते क्यों नहीं? हाँ बताओ। मुझे आपकी मदद चाहिए, ये मेरा जान पहचान वाला है, इसका बाप शिक्षक है। हाँ इसको क्या चाहिए? कुछ पैसे। कुछ पैसा मतलब? यही कुछ 1,00,000 रुपए। भाई आप 1,00,000 रुपया कब वापस करोगे? कम से कम 6 महीने में वापस कर दूंगा। वो तो असल है, मगर ब्याज हर महीने यहाँ पे आकर दी जाऊंगा। गोली इधर लाओ। क्या काउंसलर, बिना प्रूफ के पैसे दे रहा हूँ यही सोच रहे हो ना? मैं कैसे पैसा वसूल करता हूँ भाई को समझा देना। धन्यवाद। थैंक यू सर। ए क्या कर रहे हो तुम लोग, इसको मारते क्यों नहीं? पापा बहन की शादी के लिए सोना और पैसा सभी लाया हूँ, ये ले लीजिए पापा, ये लीजिए ना। माँ कम से कम तुम तो ले लो। क्यों माँ, चिंता क्यों कर रही हो, जो हो गया सो हो गया, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा, अब जल्दी से तैयारी करो चलो। सुमति सुनो, ए छे क्या बच्चे की तरह रो रही हो? हाँ मैं हूं ना। हाँ अरे तुम लोग रो मत। अरे क्या रे, तू भी रोएगी? अरे तेरा भाई है ना यहाँ पर, रो किस लिए रही है? अरे काउंसलर जी, आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? तू तकलीफ उठा सकता है, हमने उठा सकते, कैसी दोस्ती है हम लोगों की। एक बात, आप लोगों को एक और मदद करनी होगी। मदद नहीं पांडे, हुकुम करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मदद चाहिए पांडे? दरअसल ये बात आप लोग सब जानते हैं, मेरा भाई एक लड़की को इस शहर से भगा कर लेके गया है, और ये बात अगर लड़के वालों को पता चल गया तो वो ये शादी कैंसिल कर देंगे। अभी वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हम लोग इस बात को छिपाने के लिए खूब सारा नाच गाना करके उनको बहुत खुश कर देंगे, और कल सुबह उनको सब कुछ बता देंगे। चिंता मत कर, सब हो जाएगा। अरे आओ पांडे, आओ आओ, लाओ लाओ लाओ, इधर रख लो, संभाल कर। हाँ ए तुम लोग काम करो, मैं आता हूँ। पांडे पांडे हाँ। मंगलसूत्र पहनाने का समय हो गया है, तू जा, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, जा तू। खुश रहो, खुश रहो।
पहले अपने भाई पांडे से आशीर्वाद ले लो। भैया भैया हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बहन, जीजा का अच्छी तरह से ख्याल रखना, नई जिंदगी है तुम्हारी, अच्छी तरह से खुश रहना, ठीक है जीजा जी? ये छोटी है, भूल चुक हो जाए तो माफ कर देना। इसका ख्याल मैं रखूंगा पांडे। अभी भी आपको डर है कि आपका भाई एक लड़की को लेकर भाग गया? ये बात हमारे परिवार को पता है, ये आपके घर का अपमान है, मतलब हमारे भी घर का अपमान है, इसलिए हमने किसी को भी ये बात नहीं बताई है। जीजा जी बहुत बहुत चिंता मत करो पांडे। आपको मदद करने वाला आखिरी लड़का है, लेकिन वो तेरे नसीब में नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा बड़ा लड़का है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है। ए, कमला, ए, भाई सो रहा है, आराम से बातें करो। पांडे पापा सो जा बेटा सो जा। पापा ये सब क्या कर रहे हैं? बहन की शादी में तुमने बहुत काम किया है, ज्यादा काम करने से बदन थक जाता है, तुम आराम करो। कोई बात नहीं है पापा, नींद पूरी हो गई ना मेरी। जो बेटा परिवार को संभालने वाला था, वही बेटा हमें बीच समुद्र में छोड़कर चला गया। पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब तुम पर पूरा भरोसा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस घर को संभाल लोगे बेटा। पापा आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो पोता पोती के साथ खेलेंगे पापा, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी पापा। अरे पांडे अंदर क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा? ये देखो पायल आई है। अरे भाई बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। आपने कहा था कि रेलवे पटरी पार नहीं करने का, पार करने पर पैर काट देंगे कहा था आपने। आ जाओ आ जाओ। आओ पायल। नमस्कार। क्या तुम लोगों को आरती उतारना पड़ेगा अंदर आने के लिए? हम आगे ना मामा जी। क्यों पायल यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी शादी तय हो चुकी है, बहुत खुशी की बात है। क्या कर रही हो माँ? तूने देख लिया, चल हट। एक बात कहूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? पापा तुझे समझने लगे हैं। हाँ मुझे वो पंखा कर रहे थे। वो लड़की भावना तुझे समझ नहीं पा रही, उस लड़की को किसी तरह समझा दे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी इच्छा है कि वो इस घर की बहू बने। मेरी प्यारी माँ, दिल में तो इतना अच्छा रखकर माँ, मेरे लिए नहीं सिर्फ वो तेरे लिए इस घर की बहू बनेगी। मेरे लिए मत सोचो, वो तो नहीं चाहिए। तेरा कदम जो आगे बढ़ा ना, उसको पीछे हमको नहीं लेना है। तेरी इच्छा को पूरा करना तो मेरा फर्ज बनता है। मेरी सलाह मानो, तुम भी एक काम ढूंढ रहा हूँ ना मामा जी। ये लो बेटी, यहाँ आइए। अब दोनों मुझे जीते रहो जीते रहो। एक मिनट रुको। ये लो बेटी। मामा जी हर जगह पैसा रखे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सदा खुश रहो मामा जी। आप लोग भी पैर पड़ रहे हैं, आप लोगों को भी पैसे देने पड़ेंगे। ये लो 50-50 रुपया रख लो, और इस पैसे को फालतू में खर्च मत करना। मामा जी के दिए हुए पैसे से हम लोग एक एक ऑटो खरीद लेंगे, उसे स्कूल की सवारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे बात कर रहे हो यार? अरे तुम्हारे भाई के लड़के लोग कैसे मजाक कर रहे हैं। अरे पांडे तुमने इतने दिनों तक इनको कैसे झेला? मैं फोकट में काम नहीं करूंगा, क्वार्टर या हाफ का बंदोबस्त करो। भैया मैंने आपको काम के बारे में बताया था। मैंने पूछ कर रखा है। हाँ। एक महीने में दुकान खाली होने वाला है, उसे बोल दिया दुकान तुझे मिलेगा। हाँ। बस एक महीने की तो बात है। चलता हूँ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद के बदले तुझे भी धन्यवाद। धन्यवाद, बैठिए ना। बैठने के लिए भी बाप रे बाप, मैं चलता हूँ। क्या पांडे मार्केट में दुकान डालेगा क्या? ए, बहन की शादी के लिए कितना पैसा लिया था वो सब चुकाना भी तो है ना, फालतू घूमकर फायदा क्या है, इससे अच्छा एक दुकान खोल लेते हैं। हाँ ठीक है, सही बात कह रहे हैं। चलो। अरे फंस गए कंडक्टर। है? हाँ हाँ। बस में चढ़ो। हम लोग नहीं चढ़ेंगे। चढ़ना नहीं है तो लाइन लगा के क्यों खड़े हो? हम लोग ऐसे खड़े हैं तो तेरे को तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ है, तुम्हारा शहर है, तुम्हारी जमीन है, हम तो जाते हैं। चलो भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरे बाप रे इन शैतान।
ए, 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 अंदर इतनी जगह खाली है, तुम लोग बाहर क्यों लग के हो? अंदर आओ। ए, इधर आ रहे। हाँ। मुझे बाहर बुला रहा है, रुक मैं गाड़ी रोकता हूँ। आज तो इनसे टिकट का पैसा लेके ही रहूंगा। ए, हम सब मिलकर एक खेल क्यों ना खेले भाई, बहुत दिन हो गया। कौन सा खेल है? 1 2 3 चल अपन खेलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? बस कहाँ खड़ी है, हम कहाँ पे खड़े हैं? अब इसके बाद तो तू खेत वालों को भी बोलेगा पैसा देने के लिए। चल दो क्या, नहीं तो कान के बजा। मूछ तो देखो इसकी, चल जा। ए, तुम लोग वापस लटक गए? ए, इधर आ रे। अभी तो मैं आया था। अरे तभी मूड में नहीं थे, अभी आना। अभी मैं मूड बनाता हूँ, रुक। छोटे बच्चों की तरह शरारत कर रहे हैं, ये अपने आप को समझते क्या है? ये शर्ट बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया रे? इस्लाम पट्टी मार्केट से लिया था। हाँ सही कह रहा है यार। एक दिन पहले की बात है कि एक कुत्ता भौंक रहा था और फिर हमारे इर्द गिर्द घूम घूम कर वो अपना पूंछ हिलाया। मुझे गुस्सा आया, ठीक है, लगा एक पत्थर उठा के उसके सर पे मारो। हम लोग तो पहले से ही तैयार रखे हैं। अरे यार, दो दो। ए, अब तुम लोग कैसे लटकोगे? अरे हम लोगों को यहीं पे उतरना था भाई, पागल कहीं का। पागल कहाँ? चल निकल ले। क्या? चलो। भावना, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, फिर क्यों आए हो यहाँ? तुम मुझे गलत समझ रही हो भावना। अच्छी तरह समझ चुकी हूँ तुम्हें, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। भावना, तुम गलत समझ रही हो, मैं भी एक समय में उसे गलत समझता था। उसका काम और आदत में बहुत फर्क है, उसे समझने की कोशिश करो। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, माफ कर दो। चल हट। सब लड़कियां तेरी जैसे होती है, पहले तो गलती करेगी और फिर आके सॉरी बोलेगी। करेक्ट। सब गलत कहती हो और फिर करेक्ट करेक्ट कहती हो। ए, क्या है, मैंने माफी मांग ली ना। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट। चलो चलो चलो, टिकट लेने के लिए सब लोग छुट्टे पैसा निकालना, नोट का छुट्टा मेरे पास नहीं है। इधर बैठ रहे, आज तो वो नहीं तो मैं। ये लोग बस में चढ़ गए हैं, आज कौन सा नाटक करेंगे पता नहीं। घबरा कर अपने पास आएगा, सर बोल कर बुलाएगा, देखना। सर क्या है, आप लोगों को क्या चाहिए? तेरा काम चाहिए तो फिर मैं। तू नीचे उतर जा। क्यों सर, आप मुझे इतना तंग कर रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? चार श्रीलंका। श्रीलंका? पांडे हाँ, तू अचानक श्रीलंका जाने को बोल रहा है, हम लोग कपड़ा भी लेकर नहीं आए। अरे हाँ, मैं तो कपड़ा लेना भूल गया। ए, बस को पीछे घुमा रहे, ये क्या अन्याय है? गवर्नमेंट बस है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप लोग क्यों मनमानी कर रहे हैं? बस वहाँ नहीं जाती है यार। जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? वहाँ एरोप्लेन से जाना पड़ता है या फिर शिप से जाना पड़ेगा, बस का रास्ता नहीं है। राम ब्रिज से जाना पड़ेगा। राम ब्रिज से? हाँ, पहली बार उस्लाम पट्टी से राम ब्रिज से श्रीलंका को बस जाने का रास्ता मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं 10वीं फेल हो गया, इसीलिए कंडक्टर की नौकरी कर रहा हूँ। तुम देश की समस्या की बात कर रहे हो, आज के बाद तुमसे और तुम्हारे गांव वालों से पंगा लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कल से मैं बस कंडक्टर की नौकरी को रिजाइन कर दूंगा, बस में चढ़ने से पहले ये खबर तुमको मिल जाएगी। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा था ना उसको अंदर डालना है। मिनिस्टर का फोन आया था। मिनिस्टर का फोन आया था? हाँ। चोरी करने वाले को छोड़ने के लिए कहा? ठीक है, हाँ रख दो। पहुंच बहुत ऊपर तक है। ठीक है, मैं क्या करूं सर? नमस्ते। ठीक है, बताइए। सर बैठिए। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, आइए सर बैठिए। कैसे आना हुआ, कुछ खास बात थी क्या? वो क्या है, मेरे छोटे लड़के के बारे में। कौन, वो जीप काट कर जेल जाने वाला? उसने फिर से तंग किया क्या? खैर आप पूरी बात बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा। मेरा छोटा लड़का पांडे और आपकी लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। जेल जाने वाले को पुलिस वाले की लड़की चाहिए, बहुत हिम्मत की बात है। वाह शिक्षक जी, अगर मेरा बेटा ऐसा होता और मैं आपसे आपकी लड़की का हाथ मांगता तो आप क्या करते बताइए? छोड़िए, शिक्षक का बेटा होकर उसमें अकल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप तो बेवकूफ नहीं है। मेरे मुंह से गाली निकलने से पहले जाइए यहाँ से। अरे जाओ ना। दोनों सुंदर पांडे, अपनी बेटी को तो मैं देख लूंगा,
लेकिन तुम अपने बेटे को संभाल कर रखना। पांडे क्या मनो और तू? हाँ मैं अरे दुबई से कभी आए रे? कल ही। अरे ये गाड़ी किसकी है? मेरी कार। तेरी गाड़ी है तो तू अंदर क्यों नहीं बैठा, बाहर क्यों लटक रहा? अगर मैं कार के अंदर बैठ गया तो गांव वालों को पता कैसे चलेगा, इसीलिए मैं लटक रहा था। ए, क्या कान में बांध कर रखा है? बारिश होते समय बिजली गिरी थी, उसका एक पीस कान में घुस गया, उसको निकालने के लिए BABL डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। अरे लेकिन ये सब हम क्यों सुने? तू तो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये तो हाथ में क्या घुमा रहे? ज्यादा चेन गले में पहनने से गर्दन में दर्द होता है, इसीलिए उंगली में घुमा रहा हूँ। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ दारू लाए कि नहीं? मैं अपने दोस्तों की आदत को समझता हूँ, इसीलिए बगैर दारू के इस शहर में एंट्री करूंगा क्या? चलो दारू लाया। अरे अच्छी तरह दोस्तों। अरे मनोहर तू दुबई में काम करके आया, बता तो कैसा रहा? उसके बारे में मत पूछ पांडे। एक दिन कंपनी के काम से मैं इराक गया हुआ था, वहाँ से वापस आते समय एक तरफ आतंकवादी और दूसरी तरफ अमेरिका की फौज, मैं तो बीच में ही फंस गया यार। अरे बाप रे। उसके बाद अमेरिका वालों ने टैंक से बम दाग दिया, मेरी तो जान निकल गई यार। अरे बीच में मैं ही खड़ा था ना, वो लोग मुझे बिना देखे बम डाल दिए। मैं तो बहुत घबरा गया यार, क्योंकि वो बम मेरी तरफ ही आ रहा था ना। फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं आ सकता, तुम लोगों से नहीं मिल सकता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर वाले का नाम लेकर प्लेन से कूद गया, फिर भी वो बम मेरे पेट से टकरा कर आगे बढ़ गया। टकरा गया क्या? उसकी वजह से ये खड्डा हो गया, देख नहीं रहे हो यहाँ पर? हाँ, अच्छा, उसके उसी की वजह से हुआ। अरे ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो बापू, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे आपके बाप को क्यों डांट रहे हो? उन्होंने पैदा किया इसके लिए, ऐसी बातें सुनना पड़ रहा है? मैं इस तरफ दिखूंगा नहीं भाई, चलता हूँ। सबके पास नाभि है पांडे, लेकिन ये तो अपनी नाभि के लिए एक नई कहानी सुना रहा है। मैं कूदने के लिए सोचा था मगर वो पहले ही कूद गया। इसको कहते हैं ड्रामा, सच बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। अंदर जाके कॉफी ले आओ बेटी। तो मैं सगाई पक्की समझू? हम सब उसी के लिए आए हैं ना। हाँ उसलम पट्टी, सब इंस्पेक्टर की लड़की भावना से मनोज के लड़के माधव की शादी 25 तारीख को होने का फैसला किया गया है, क्या आप सबको मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। सुनिए मैं आपसे ही मिलने आई हूँ, पांडे से शादी करके आपकी बहू बनना चाहती हूँ, लेकिन पापा ने मेरी मंगनी दूसरे से कर दी है। अगर मेरी शादी आपके बेटे से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, बस इतना ही कहना था। हमारे गेटअप को कोई नहीं पहचानता। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में इतना मारा फिर भी नहीं सुधरे, इस गेटअप में आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम गलती से आ गए, हमेशा आप दौड़ते रहते हो, अभी हमें खड़ा करके सवाल पूछ रहे हैं, एक कैसा न्याय है? 3 तक गिनूंगा, अगर तुम लोग इस एरिया में नजर आए तो बहुत मारूंगा, समझे? तू हमारे गांव की लड़की को लेकर भाग रहा है, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सर
आपकी लड़की को मैं सीधा घर से ले जा सकता था, मगर एक लड़की अगर घर से भाग गई तो क्या तकलीफ हो सकती है ये हमारे परिवार को मालूम है। आपके दर्द और दुख को मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आया हूँ। बेटा तूने 10वीं तो पास की नहीं और तुझे डिग्री वाली लड़की चाहिए, अपने घर का दुख मुझे क्या सुना रहे हैं? हाँ? तुझे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, किसी बड़े घर में तेरी शादी करना चाहता था मैं, तेरे लिए कैसे कैसे सपने देख रहा था और तू एक आवारा लड़के को पकड़कर मेरे पास ले आई। इस पुलिस स्टेशन से न जाने कितने लोग उनके माँ बाप के जिंदा रहते अनाथों की तरह शादी करके चले गए, समझ लूंगा उनमें से तुम भी एक हो। ए, कौन किसका बाप है? ये लफ्ज दोबारा अपनी जुबान से मत निकालना। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक मेरे सामने मत आना, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। जाओ। ये अच्छी बात है पांडे, जिस लड़की से प्यार किया उसी से शादी कर रहे हो तुम। आपका शुक्रिया, हमने बहुत मेहनत किया है। मेहनत किया है? रुको, मेहनत के लिए ये आपको धन्यवाद करेंगे। इस डायलॉग का इस्तेमाल तो मैं करता था, उसे भी छीन लिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने के लिए धन्यवाद। क्या बेटी तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू रो क्यों रही है? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनके आशीर्वाद के बगैर ये शादी हो रही है। उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा तुझे, तू जाकर तैयार हो जा। आइए आइए, अब शादी में आए, मुझे खुशी हो रही है। मैं यहाँ शादी में नहीं आया हूँ, पांडे नाम के एक आदमी ने शादी के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, उसी के बंदोबस्त के लिए आया। अरे तू, अरे क्या कर रहा तू? क्यों पांडे, शादी के बंदोबस्त के लिए पुलिस से सहायता मांगी थी? हाँ पापा, उनका सिर्फ एक ही लड़की है, प्रोटेक्शन के नाम पर अपनी बेटी की शादी देखने के लिए मैंने उन्हें बुलाया। बहुत अच्छा बेटा, आ जाओ बेटा। तुझे बता कर गया है क्या? नहीं माँ जी, क्या बात है? तेरी शादी अच्छी तरह से हो जाए इसके लिए इन्होंने मंदिर में साड़ी चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, अभी जाएंगे तो सबसे पहले दर्शन कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ गया वो, आएगा तो बोल देना, हम लोग खाकर निकल रहे हैं। जल्दी चलो, हम चलते हैं, हम जा रहे हैं। हाँ। हम आहा, लड़का नया दूल्हा बन गया, इस खुशी में तो आज मम्मी ने मटन, चिकन, केकड़ा, मच्छी एक साथ सब चीज की खुशबू आ रही है। आज तो सब कुछ सपा चट कर दूंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। चलो चलते। नमस्ते मैडम। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ रही। अरे अभी तो कुछ खाया नहीं मैंने, बहुत कुछ खाना है, चिकन है, मटन है, केकड़ा है, मच्छी है, छोड़ दो, भूख लगी है। रुक जाओ, मैंने कहा खाना है किधर? चिल्लाओ मत, कोई नहीं आने वाला। क्यों? सब लोग मंदिर दर्शन के लिए गए हैं, कल ही वापस आएंगे, हम दोनों अकेले हैं। बाप रे बाप, हम दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा क्या? मुझे डर लगता। क्यों, मजाक क्यों कर रहे हो? सब लोग क्यों गए, इतना भी नहीं समझते क्या? क्यों, किसके लिए गए? क्यों पूछ रहे हो? कितनी मस्ती करते हो, मेरे छूते ही कांप क्यों रहे हो? मुझे इसकी आदत नहीं है ना, पहली बार है ना। तो मैं क्या कोर्स करके आई हूँ, एक घुसा दूंगी ना। तू बगल में आ रही है हूँ, क्यों ऐसे घूर रही है मुझे, तू क्यों ऐसे?
करना। मैं भी मस्त मस्त लगती हूँ, तू भी मस्त मस्त लगता है, मस्त मस्त। मस्ती मस्ती में डूब गए दिल, मस्ती का तू मजा ले, डूब के तू मस्त बन जा, प्यार का मजा ले तेरे बिन, ओ प्यार का मजा गए दिल, मस्ती का तुम मजा ले, हो हो मस्ती मस्त मस्त लगती है, मस्ती का मजा ले। ए भावना, ए पांडे, ए भावना, ए पांडे, ए भावना, ए पांडे, ए भावना, पांडे, ए भावना, पांडे, भावना, पांडे, भावना, पांडे, पांडे, पांडे। दिल मेरा राहों में आए मजा तेरी बाहों में, धड़के दिल मेरा राहों में आए मजा तेरी बाहों में, दिल भी तू है जा भी तू है, वो 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 वो। है चांद की रोशनी तू, सूरज की चमक तू, चमक तुमसे मिलके जिंदगी मेरी हो रही है रोशन, तुझ में समा के भूलू खुद को, तेरा नशा ही जिंदगी है, तुझ में आग जो लगी है मुझको उसमें जल जाना है, मस्ती मस्ती में डूब गए दिल, मस्ती का तू मजा ले, दे दो। हाँ, वहाँ दे दो। हाँ, दो 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 दो। ये दाढ़ी
धंधा अच्छा हो रहा है ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है यार, कुछ भी करके जी लेंगे यार। हाँ, पांडे हाँ। चल चल जल्दी करना है, मुंह फाड़ के बैठा हुआ चल। इसका आंसर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ नीचे देख भाभी, मुझे ये भी समझा दो ना। अरे बैठो 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 बैठो, तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ, बैठो। बताओ तो सही क्या लाया हूँ। अरे छोड़ो मैं ही बताता हूँ। अरे वाह पायल, ये लो तुम्हारे लिए। पायल और ये भावना, भूख लगी है। चलिए क्या कर रहे हैं, आपकी बहन आ जाएंगी। अरे वो लोग यहाँ नहीं आए। देखिए वो लोग आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। भैया देखो कैसे लग रहा है। अरे वाह क्या बात है, दिखना ना बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छी। चलो जाओ जाओ। अरे क्या बात है, क्या कर रहे हैं, कौन है आप, छोड़िए उन्हें। ऐसे ले लिया बताने का नाम। छोड़िए आज तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, कैसे भी करके तेरे से पैसे वसूलूंगा मैं। पंडित क्या हुआ, शिक्षक का लड़का है, मान मर्यादा होगी, मैंने यही सोचा था, लेकिन ये सब तो गलत निकला। काउंसलर इसको पैसे क्यों दिलवाए। इससे बात करना बेकार है, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसके बहन को बेचकर पैसे वसूल करेंगे। पैसा मैंने लिया, मेरी माँ को कुछ नहीं बोलना, समझे तुम। मुँह बंद कर वरना अभी तुझे यही के यही काट डालूंगा। ए, इसको अभी उठा कर ले चलो और इसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ डालो। ए, मारो इसको। चलो उठाओ, चलो 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 मेरे बेटे को छोड़ो। क्या हुआ, मेरे बेटे को क्यों उठा कर ले जा रहे हो। मुझसे इसने ब्याज में पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए हैं इसने। ब्याज साहब जी, वो कितना लिया है, मैं लौटा दूंगा। नहीं दिया तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, 10 दिन की मोहलत दे, लौटा दूंगा। 10 दिन के बाद आऊंगा, अगर पैसे नहीं दिए तो सारे परिवार को उठा ले जाऊंगा। और कुछ मत बोलिए, वापस चलो सब। सुनिए, 10 दिनों में पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे आप। पांडे की माँ रिटायर के बाद एक घर बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, वही बेच देते हैं। ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, एक गुंडा बदमाश हमारे लड़के को पकड़ के ले जा रहा है, ये सब देखकर भी उस जमीन की मुझे क्या जरूरत है, बेच दीजिए। देखो दूसरा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मनोहर। ओ पंडित, मुझे सब पता है, दाढ़ी ने बता दिया है। नहीं मनोहर, ब्याज वाले ने जो भी कहा उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। अपने जिंदगी में खुद का घर बनाने की इच्छा थी मेरी माँ को, इस जगह को बेचने की बातचीत हो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मुझे दुख भी था और मुझे आगे भी 2 बहनों की शादी करवानी है। सुनो मनोहर, तुझे छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, पांव पड़ता हूं, मेरी मदद कर। इसके लिए बच्चे की तरह रो क्यों रहा है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। तू कुछ भी कहेगा मैं करने को तैयार हूं मनोहर। पांडे मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन तुझे विदेश जाना होगा, अपने परिवार वालों को छोड़कर तुझे 5 साल तक मेहनत करनी होगी। वहां तू मेहनत करेगा, यहां तेरे परिवार वाले खुश रहेंगे। मैं दिखने में अमीर लगता हूं ना, मैं वहां कचरा उठाता था, बाथरूम साफ करता था, कीचड़ उठाता था। वैसे तू भी मेहनत करेगा तो तू भी अमीर हो जाएगा, तू ये काम करने को तैयार है। मैं अपने परिवार के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ मनोहर, तू कुछ भी बोल मैं करने को तैयार हूँ, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, हम दोनों दोस्त हैं यार, हम दोनों दोस्त हैं। भावना तुम क्या कह रही हो, मुझ पर उधार है, बाप से पैसे लेकर आओ ये तो नहीं कह रहे ना, मेहनत करने के लिए जा रहे हैं ना। आप जाइए, जिस दिन से हमारी शादी हुई मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां है ना, कब जा रहे हैं आप। मुझे लगा नहीं था तुम हाँ कर दोगे, थैंक्स भावना। ये क्या कह रहे हो, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं, बाहर जाकर पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं। माँ की बात मान लो, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम उस लड़की को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। इन्हें जाने दीजिए पिताजी,
ये क्या मुझे जंगल में छोड़कर जा रहे हैं? माँ जैसी सासू माँ है और पिताजी जैसे आप हैं, बहन जैसे ये दोनों मेरे पास हैं। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप दोनों साथ में खड़े हो जाओ। जीते रहो बेटा। हे माँ, मेरा लड़का मेरी आंखों से दूर जा रहा है, उसका साथ देना, उसे संभालना माँ। संभल कर जाना बेटा, अच्छा खाना खाना। तू क्या खाएगा, कहाँ सोएगा? सुमति, बच्चा हो जाने के बाद फोन कर बता देना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। जीजा जी, आप और बहन खुशी से रहना, अच्छे से रहना। ठीक है पांडे, तुम चिंता मत करो। तुम दोनों माँ की मदद करना, ठीक है? माँ को कोई तकलीफ मत देना। पिताजी को मच्छी बहुत पसंद है, ठीक है भैया? इसलिए हफ्ते में दो बार मार्केट में जाना और मच्छी लेकर आना। याद से करना, भूलना नहीं। मैं चलता हूँ, ठीक है? और तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? पांडे, जब से तू पैदा हुआ है तुझे अपने से अलग नहीं होने दिया। हमेशा आंखों के सामने था, अब मुझे छोड़कर जा रहा है तू। ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? ये क्या पिताजी, आप भी रोएंगे तो ये कैसे जाएंगे? इन्हें जाने के लिए हिम्मत दीजिए। रोइए मत पापा, रोइए मत। देखा आपने, आपको देखकर मम्मी भी रोने लगी। माँ तुम रो मत, मम्मा अपना ख्याल रखना। ए दाड़ी, चलता हूँ रे। ठीक है, मैं चलता हूँ रे। ठीक है काउंसलर, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। और इस घर में लड़का नहीं है, इस घर का ख्याल रखना, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो पांडे। पांडे संभल कर जाना बेटा। मेरे घर से आते समय मेरी माँ, उनकी आंखों में आंसू थी। यहाँ आने का मेरा कोई मन नहीं था, मगर यहाँ पे आना पड़ा उधार चुकाने के लिए। दो बहनों की शादी करवा दी मैंने, तीसरे की शादी भी तय हो चुकी है, अपना फर्ज निभाया है। भले ही आज मैं घर से दूर हूँ, लेकिन सोचकर अच्छा लगता है, वहाँ पर अब सब कुछ ठीक है। छोटी माँ, आपकी शादी है क्या? आंटी। ए छोटा पांडे, कैसा है तू? ए छोटे पांडे। अरे सुमति, तू कभी आया? भाई कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठो। सुनिए, पांडे ने फोन किया था, छोटी बेटी की शादी के बारे में बताया था। शादी करवा दो बोल रहा है। करवा देंगे, भावना के इस घर में कदम रखते ही सब शुभ कार्य हो रहा है। ए पांडे, इस हफ्ते को जो तुझे छुट्टी मिली थी, तू शुक्रवार को कहाँ गया था? अरे बताता हूँ, आज मेरी तीसरी बहन की शादी है। ये लो पैसे, ऐश करो, दारू शरू पियो, मौज करो यार। इन पैसों के लिए हम गधे की तरह मेहनत करते हैं, इसे हम यूं ही उड़ा देंगे। ए तेरी बहन की शादी हो जाने दे, उसके बाद हम लोग जम के मस्ती करेंगे। आपका बेटा इस शादी में भी नहीं आ पाया? नहीं, वो नहीं आया, सिर्फ पैसा भेज दिया है। उसका दिल हमेशा यहीं पर है, मंगलसूत्र पहनने से पहले उसका फोन आ जाएगा। बोलो पांडे। पापा, बहन की शादी कैसे हो रही है? कोई भी तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ सही ढंग से पूरा हो रहा है।
पापा आपको कोई पैसों की कमी तो नहीं पड़ रही है ना? किसी भी चीज की कमी नहीं है, सारा पैसा भेज दिया था ना। सुनिए का फोन है, क्या कहा? मुझे दीजिए ना, मुझे भी सुमति से बात कर लो। भैया। ए सुमति, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ रे। आप वापस कब आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा। फोन दे मुझे। भैया मैं कमला बात कर रही हूँ। ए कमला, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बहन। भैया मेरे बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखा है, छोटा पांडे। अरे ठीक है, वो छोटा पांडे को फोन देना जरा। ये लो मामा जी से बात करो। बात करो बेटा। बोलो कैसे हो? कैसे हो मामा? ए छोटे पांडे कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं? हा? कब आएंगे पूछो? आप कब आएंगे? आते समय चॉकलेट डॉल वगैरह सब कुछ ले आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? बेटे कैसे हो तुम? माँ पांडे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी आंखों के सामने है, तुझे देखने को मन कर रहा है। मैं आऊंगा माँ, बहुत जल्दी आऊंगा। माँ बहन की शादी हो गई क्या? नहीं अभी मंगलसूत्र पहनने वाली है, शहनाई की आवाज़ तू सुनेगा क्या? हाँ सुनता हूँ। ले सुना क्या? हाँ सुना मैंने। शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। भैया फोन पर है क्या? मुझे बात करनी है। लो बात करो। भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो जीते रहो। माँ माँ सब कुछ संभालो माँ, ठीक है? मैं आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? रखती हूँ बेटा। पांडे बहन की शादी ठीक से हो गई ना? हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अरे फिर तू रो क्यों रहा है? चल चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ चलो चले। अकेली लड़की को पार्क, बीच, सिनेमा हॉल कोई नहीं भेजता, वो लोग भरोसा करके भेजते हैं। अगर लड़की को स्कूल भी भेजते हैं तो भगवान के भरोसे नहीं, तुम्हारे और हमारे भरोसे भेजते हैं। वो उनके भरोसे को धोखा दिया कब ने? मैं जिस स्कूल में सर उठाकर जाता था उस स्कूल में अब सर झुकाकर जाना पड़ता है। उस सुंदर पांडे को ट्रक से उड़ा दो। हे माँ सब सही ढंग से होना चाहिए। सुनिए जल्दी आइए, देर हो रही है। क्यों माँ जी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? फिर क्या, पांडे की माँ बंगला बनाने के लिए दुबई से हुक्म आया है। अभी सभी बच्चों को बुलाकर भूमि पूजन करने की खुशी है ना, फिर तो खुश रहेगी ना। पिताजी सही कह रहे हैं। हाँ बेटी हम भी अपना खुद का घर बनाएंगे ना। ये इसके वर्षों का ख्वाब है ना बेटी। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे क्योंकि अभी बहुत काम पड़ा है। माजी माजी छोटे पांडे की गुड़िया तो भूली गई। जाते ही गुड़िया मांगेगा, नहीं तो झगड़ा करेगा। भावना घर का ख्याल रखना। हाँ। मैं चलती हूँ। ठीक है माजी। ठीक है चलता हूँ। पेशेंट आपसे बात करना चाहती हैं। पांडे की माँ, पांडे की माँ। माँ जी। माँ जी। इसे मत बताओ। मुझे कहना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। पांडे को कुछ मत बताना, वो रोते हुए आएगा और मुझे देखे बिना उसको धोखा हो जाएगा। उसके आने के बाद कहिएगा मेरा बेटा मान जाएगा, ऐसा मैंने कहा था।
मेरा बेटा मान जाएगा उसके चेहरे को। उसके चेहरे को देखे बिना मर रही हूँ, बहुत दुखी हूँ। देखो देखो, बेटा पांडे मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। तू कहीं भी हो मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगी। तेरे पिताजी अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते, उनका ख्याल रखना। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, पांडे सबके बेटा बेटी को देख लिया, सिर्फ तेरा नहीं देख पाई। पांडे माजी, माजी माँ, माजी 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 ये पैसे रख लो और सारा काम कर लो, ठीक है? और अगर पैसे कम पड़े तो मुझसे मांग लेना, ठीक है साहब जी? सर दुबई से कुरियर आया है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। पांडे ने आपके लिए पार्सल भेजा है, दुबई से पार्सल आया है आपके लिए। मामा जी दुबई से पांडे का फोन आया है। मामा जी बेटा पांडे क्या हुआ पापा, आपकी आवाज कुछ अलग लग रही है। सुबह ठंड में चला गया था इसीलिए। शॉल ओढ़कर जाना चाहिए था ना? कुछ नहीं अभी सब ठीक है। पापा वहां सब कुछ सही सलामत तो है ना? पता नहीं क्यों लगा कि सब कुछ शायद सब यही है। बेटे तेरे होते हुए हमें क्या तकलीफ है, सभी खुश है। वो क्या है ना कि माँ किचन में चूल्हा जलाते समय उनकी साड़ी में आग लग गई है, ऐसा सपना मैंने देखा। मेरा दिल घबरा गया पापा, इसलिए फोन किया। पापा माँ को मैंने 4 साड़ी भेजी है, वो मिल गया क्या? आ गई। पापा माँ ने साड़ी पहन ली है ना? पापा पांडे, बेटा पांडे वो साड़ी पहन रही है, पहनने दो। कहाँ है पापा? तू हमेशा कहता था कि माँ देवी की तरह है, वो अभी देवी की तरह है। पापा
मैं माँ से बात करना चाहता हूँ। माँ को फोन दो ना। माँ। पापा। 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 पांडे, तेरी माँ देवी के पास गई है। क्या पापा? नहीं नहीं, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई है। मंदिर गई है, ठीक है ठीक है। पापा, भावना तो होगी ना वहां पर? पापा, पापा, पापा। लगता है भावना भी बगल के दुकान में गई है। आप माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना। पापा, मेरे आने तक माँ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है पापा, ठीक है? ठीक है। आप भी अपना ख्याल रखना पापा, मैं रखता हूँ। तेरा ख्याल रखने के लिए कहा है। तेरा ख्याल रखने के लिए वो वापस आकर पूछेगा तो उसको क्या जवाब दूंगा? बोल, तेरा बेटा आकर पूछेगा माँ का है तो क्या जवाब दूंगा? इन सबको आपको ही संभालना है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो इन सबका क्या होगा? एक्सीडेंट की बॉडी है, ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। चलो उठाओ तुम लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं? बचपन से मेरी माँ को नहीं देखा, आपने मुझे माँ जैसे प्यार दिया, अब आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। पिताजी, इनसे कहिए ना माँ को ना ले जाए, इनसे कहिए ना माँ को ना ले जाए। नहीं, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मेरी माँ को मत ले जाइए। मामा जी, आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो उन बच्चों को कौन हिम्मत देगा? आप दो दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चलिए खा लीजिए। भैया, कैसे हैं आप? पांडे की माँ गुजर गई, ऐसा मेरी बहन ने मुझे बताया। हाँ। भावना घर पर है क्या? हाँ। चलो चलते हैं, हम चलते हैं। हाँ। ए साइकिल वाला, तुझे कितना पैसा देना है? 30 रुपया। 30 रुपए के लिए मेरे घर में आके झगड़ा कर रहा था तू, ये ले। छुट्टा नहीं है, रख ले। एक मामूली ड्राइवर के पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा? तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अगर तुमने उस ड्राइवर को मार दिया तो मामी का कत्ल किसने किया है ये पता कैसे चलेगा? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कल पांडे आने वाला है। माँ को जिसने गलत बात कही थी उसका जीप काट कर पांडे जेल गया था। वो परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तुम उसे फिर से जेल भिजवाना चाहते हो क्या? हमें उसके परिवार की देखभाल करने को कहा था, वो हमें हाथ जोड़कर कहा था की उसकी माँ महालक्ष्मी की तरह है। उस महालक्ष्मी को खत्म करने वाले को हम छोड़ देंगे क्या? पांडे को आकर वापस जाने दो, उसके बाद मामी को मरवाने वाले को मारकर हम लोग जेल जाएंगे। क्या पांडे? हाँ। माँ बाप से मिलने की खुशी में हीरो बनकर जा रहे हो? अरे खुशी तो होगी ना, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। मैंने जो चीज तुझे दी है वो मेरी माँ को जाकर दे देना। तू अपने हाथों से ले जाकर देगा तो उसे लगेगा कि मैंने उसे दिया है। मैं खुद ही जाकर दे दूंगा, क्यों चिंता करता है पांडे? तेरे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन मेरे आंखों के सामने होगी, तू चिंता क्यों करता है? ठीक है पांडे, ठीक है ठीक है। पांडे, तू घर जा करके भूल मत जाना, फोन करना है। मैं फोन करूंगा, मैं अकेले नहीं करूंगा, तेरे पूरे परिवार को साथ में लेकर करूंगा। ठीक है पांडे। और हाँ, शुक्रवार के दिन इधर उधर मत घूमना, ठीक है? ठीक है पांडे। हम लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, बस उतना ही करना, ठीक है? ठीक है पांडे। चल मैं चलता हूँ। अरे शक्ल ठीक करना है। कौन हो तुम? पांडे? हाँ भैया। कैसे हो तुम? हाँ मैं अच्छा हूँ भैया। ठीक है पांडे। ए,
मनोहर दाढ़ी कैसे हो तुम लोग? ए दाढ़ी कैसा है तू रे? अरे तेरे वो फूल के दुकान के लिए मैंने पैसा भेजा था, कैसा है सब? ठीक है ना? दारू पी के खल्लास तो नहीं कर दिया? ये बात नहीं पांडे, धंधा ठीक से चल रहा है, बोलना यार। धंधा अच्छा चल रहा है। अरे ये पहले बोलना चाहिए था ना। ए मनोहर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो आज मेरा परिवार बहुत तकलीफ में होता यार। मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा दोस्त। ए अरे कैसे है रे, तेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों रे? ए पगया कैसे रे, तेरा बाइक का दुकान कैसे चल रहा है? हां मैकेनिक बन गया, चीफ मैकेनिक, शक्ल तो देख इसकी। ए काउंसलर तेरा काम चल रहा है ना सब कुछ? हैं अरे नौकरी है कि गई है? क्या बात है, इतने दिनों के बाद देख रहे हो इसलिए ऐसे है क्या? कहीं मेरे से ज्यादा बाटली का इंतजार तो नहीं है तुम लोगों को? सब मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, ऐश करेंगे सबके सब। चल 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 आजा आजा आजा। अरे आना रे आना पकिया, चलना चलना। अरे आजा आजा सब लोग। मैडम सलाम। मैडम ए मैं आ गया ना, रो क्यों रही है तू? ए सुमति कैसी है तू? अरे जीजा जी सब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। अरे वाह जूनियर, अरे तुम्हारे मामा हैं हम हैं? अरे कमला कैसी है तू? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। माँ ने बताया फोन पे कि बहुत अच्छा लड़का मिला है कमला। अरे वाह जूनियर भी आ गया। अरे इसको भी चश्मा पहना दिया? देख ना अब इसकी भी शादी करवा दूंगा एक दिन में। हाँ अरे डैडी मम्मी कहाँ है? कैसी है तू? अकेले खड़ी खड़ी रो रही है। अरे जीजा जी कैसे हैं आप? सब ठीक है ना, खुश है? चलिए अच्छी बात है। अच्छा पांडे आया है और मम्मी नहीं बाहर आ रही है? हो नहीं सकता है, चलो मैं जाके देखता हूँ। मम्मी सी यू। कहाँ हो तुम? छिप रही हो? हाइड एंड सीक खेलना है बेटे के साथ? इस उम्र में भी तुमको मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना है? कहाँ गई आप? तो बैठती थी, अब पता नहीं आजकल बहुएं आ गई हैं शायद किचन में। ओहो अरे डैडी यहाँ पर बैठे हैं। सुंदर पांडे साहब आपका बेटा आया है, मिलिए तो सही। बेटा पांडे मुझे माफ कर दे। क्या हुआ पापा? पांडे 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 क्या बात है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? आप लोगों के भरोसे पर मेरे माँ को मैं छोड़कर गया था ना, आप लोगों के होते हुए भी मेरी माँ को मरने कैसे दिया? मामी बुखार या बीमारी से मरी नहीं है, लॉरी से एक्सीडेंट हुआ है। अरे मुझे पता मेरी माँ को क्यों मारा तूने? मुझे बता रहा। किसके कहने पे मारा तूने? मुझे मारने के लिए कहा गया था। Oh,
किया जो उसकी बलि चढ़ा दी तुमने। पापा माँ की इच्छा से वहां घर बना देंगे पापा, सबको संभाल लीजिए। पापा मैं जा रहा हूँ। भावना मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ बहन। दोस्त मैं चलता हूँ, सब अपना ख्याल रखना। ठीक है पांडे। बेटे पांडे संभाल के जाना बेटे। पांडे संभल कर जाना बेटा। क्या हुआ पांडे, बोलना क्या हुआ पांडे? बेटे पांडे क्या हुआ? पापा पहली बार जब मैं विदेश गया था ना तो माँ ने भी ऐसी बात कही थी। मैंने वापस आकर माँ का चेहरा नहीं देखा और मैं वैसा कुछ आप लोगों के साथ नहीं चाहता हूँ पापा। मैं जी नहीं पाऊंगा आप लोगों के बगैर। पापा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा आप सबके साथ, कुछ भी करके मेहनत करके। पांडे यहीं पे रह जाऊंगा। पांडे पापा। बेटा पांडे हमारी भी इच्छा यही है।